जो नहीं डाला है वो हम जो टेलीग्राम में शेयर करेंगे। ओके, अभी हमारा आज का डिस्कशन है मिग मैग वेल्डिंग। मिग मैग वेल्डिंग जो लोग रेल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो लोग पाइपिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो लोग हमारा पैनल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो लोग फैब्रिकेशन जहाँ पे मिग मैग ज़्यादा यूज होता है वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाता है। आज तक मेरा करीबन आफ्टर कमिंग इन इंडिया 2 से 3 इंटरव्यू हुए। एक बहुत अच्छी कंपनी है हमारा रायपुर में, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, उस आज ही किसी और एक कंपनी का था। तो सभी में मुझे ये GMAW के बारे में पूछा गया, समझ रहे हैं ना। तो आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तब भी इम्पोर्टेंट है, सीस्वीप के बारे में पूछा जाए तब भी इम्पोर्टेंट है, आपको मिग मैग वेल्डिंग है वो GMAW वेल्डिंग है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन, जनरली कितने टाइप के ट्रांसफर है वैसा ही जनरल कॉमन क्वेश्चन रहता है, तो आप ये थोड़ा कर लीजिए। वैसे 4 टाइप के ट्रांसफर है वो आगे आएगा तो मैं समझाएगा। ओके, इन USA ये GMAW वेल्डिंग को मिगमेक वेल्डिंग भी बोला जाता है, और मिगमेक वेल्डिंग प्रोसेस वर्सेटाइल टेक्निक टू सूटेबल इन बोथ थिन एंड थिक सेक्शन ऑन मोस्ट ऑफ द मेटालिक मटेरियल। मोटा जो थिकनेस वाला प्लेट है उसमें भी हम बराबर कांड कर सकते हैं, मतलब वेल्डिंग मार सकते हैं, और एकदम पतला थिकनेस वाला मेटल है उसमें भी हम अच्छे से वेल्डिंग मार सकते हैं। उसी की वजह से GMAW इज इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। GMAW का प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा है, उसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा सा मिल सकता है। SMAW हमने देखा कि SMAW में कांड ये हो रहा था कि हम लोगों को जान बारी बारी इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है, फिर वेल्डिंग को ख़त्म करना, फिर वापस इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है, तो बारी बारी का एक काम है। लेकिन ऐसे में यहां पे मिग मैग वेल्डिंग में ऐसा नहीं है। मिग मैग वेल्डिंग में क्या है, एकदम सिंपल, एक बार वेल्डिंग स्टार्ट करो, लगे रहो मुन्ना भाई जैसे, चलते रहो, क्योंकि उसका पीछे का स्पूल जो है वो बहुत लंबा चौड़ा रहेगा, वो पूरा राउंड में उसमें फिलर वो रहेगा और वो ऑटोमेटिकली आता रहेगा वो डिप में अंदर, और धीरे धीरे काम चलता रहेगा। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा मिग मैग वेल्डिंग है। अभी सर बहुत सारे लोग आई थिंक ज्वाइन हो रहे हैं या फिर कट हो रहे हैं, आई डोंट नो, आवाज़ अभी भी आ रही है, सर प्लीज़ म्यूट कर दीजिएगा। ओके, एन आर्क इज ट्रक बिटवीन एंड ऑफ द वायर इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस, जिस जो हम हर बार चेक करते हैं डेली सेशन में, हम यही बात करते हैं कि आर्क किसके बीच में जनरेट होगा, ये हमारा एक वायर इलेक्ट्रोड है उसका और हमारा जो वर्क पीस है उसके बीच में, वर्क पीस पे और इलेक्ट्रोड के बीच में क्यों जनरेट होगा आर्क, तो पहले भी मैं बात किया अभी भी बोल देता हूँ, क्योंकि सर्किट क्लोज होता है मेरे भाई। सर्किट क्लोज कैसे होगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, दूसरा वाला आगे वाले को, आगे वाला उससे आगे वाले को ऐसा धक्का मारेगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर एक प्लेस से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होगा तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और एनर्जी हम मेजर करते हैं उसको एम्पियर में, और उसको हम करंट भी बोलते हैं। तो उसके बाद जब करंट प्रोड्यूस होता है तो ऑटोमेटिकली एनर्जी जनरेट होने की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से हमारा जो फिलर है वो पतला है, एकदम स्मॉल है, तो वो फिर मेल्ट होना स्टार्ट होगा। जनरली हमारा कार्बन स्टील का टेम्परेचर 1200 से 1800 रहता है, और हम लोग क्या करते हैं वेल्डिंग जब आर्क से वेल्डिंग मारते हैं तो वहाँ पे 6000 टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। तो आप लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई 6000 की वजह से हमारा बेस मेटल भी पिघल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा इसके लिए नहीं होता है क्योंकि बेस मेटल का पूरा टेम्परेचर नहीं है ना, वो तो कुछ पार्ट के लिए इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, उसी की वजह से 6000 टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे मेल्टिंग होना स्टार्ट होता है, फिलर मेल्ट होकर फिर बेस मेटल में गिरता है, बेस मेटल ऑलरेडी उसका टेम्परेचर लो है तो धीरे धीरे वो कूलिंग होता है और एक दूसरे के साथ मेल्ट होकर वेल्डिंग हो जाता है। ओके, लेकिन कुछ ऐसी है GTAW की बात करें तो GTAW में कांड ये होता है कि भाई टेम्परेचर जो हमारा टंगस्टन का है 3360 इतना टेम्परेचर रहता है, और मेल्टिंग टेम्परेचर भी वहाँ पे अगर प्रोड्यूस होता है तो 3000 तक होता है, तो वहाँ पे हमको एक थोड़ा प्रॉब्लम है, टंगस्टन इंक्लूजन में भी थोड़ा टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो टंगस्टन इंक्लूजन आने का चांस है। नहीं सर प्लीज़ सर, नहीं सर, यस ओके सर प्लीज़ म्यूट कर दीजिएगा, सब लोग प्लीज़ म्यूट करेंगे, आपको मज़ा आएगा क्योंकि 2 घंटा है या 1 घंटा में कंटिन्यूस लेगा, आपको बहुत सारा यहाँ पे समझने को मिलेगा, आप म्यूट करेंगे तो सबके लिए अच्छा है। ओके, और इसी की वजह से म्यूट अगर नहीं करते हैं लोग, इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं सर,
कि एक ही ग्रुप में ये शेयर करते हैं, बाकी सब लोग ग्रुप में शेयर नहीं कर रहे। पिछले हमारा 2 महीने से, या वैसे तो 2 महीना नहीं, पिछले 5 मंथ से चल रहा है। बीच में तो सब लोग इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अभी हमने खाली एक ही ग्रुप में डालते हैं, ताकि कुछ लिमिटेड पीपल जो यहाँ पे ज्वाइन होके म्यूट का प्रॉब्लम ना करे। तो प्लीज सर, रिक्वेस्ट है सब लोगों को। ओके, एन आर्क स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस एंड मेल्टिंग बोथ फ्रॉम द मेल्टिंग बोथ फॉर्म a well spool and wire serve the source of heat and via the arc and wire tips and filler metal in the joint. अभी क्या होगा यहाँ पे, कांड ये होगा कि आपका टेम्परेचर जो है इलेक्ट्रोड का वहाँ पे ज़्यादा होता है, उसी की वजह से वो मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद वो पीछे से वोल्टेज क्या करता है, उसको धक्का मारता है। वोल्टेज का काम कुछ घंटवाए ऐसा ऐसा हमने जानबूझ के ऐसा वहाँ पे वोल्टेज रखा, ऐसा नहीं, सबका अपना अपना काम है भाई। वोल्टेज जो है वो जो मेल्ट हो चुका है इलेक्ट्रोड, उसको धक्का मारेगा ताकि वो वेल्ड मेटल के अंदर गिरे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वहाँ पे ही लटक जाता, वहाँ पे ही सॉलिडिफिकेशन में भी हो जाता, ऐसा होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वोल्टेज हम पीछे से धक्का मारता है, और जितना वोल्टेज ज्यादा उतना ज्यादा धक्का लगेगा, जितना वोल्टेज कम उतना कम कम लगेगा, ठीक है, उसमें धक्का, ठीक है। तो वैसे ही आपका वेल्डिंग चलता रहता है। अगर आपको ज्यादा डिपोजिशन चाहिए तो वोल्टेज को ज्यादा धक्का मारने के लिए ज्यादा अगर वोल्टेज रखेंगे तो ज्यादा डिपोजिशन में भी हो सकता है और हीट भी उसके हिसाब से प्रोड्यूस होगा। आगे बढ़ते हैं। द वेल स्पूल इज protected from the surrounding atmospheric by the shielding gas feed and through the nozzle surrounding of the wire. Okay, वो वायर के अगल बगल में गैस शील्डिंग होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैस नोजल लिखा है, देख रहे हैं, वो गैस नोजल है। वो उसका खाली काम एक ही नहीं है, गैस नोजल मतलब खाली गैस आना और वेल मेटल जो स्पूल है वहाँ पे एक एटमोस्फेरिक प्रोड्यूस करना, जो बाहर का ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हमारे ये वेल मेटल के अंदर घुसने ना दे, ऐसा ही जनरेट करना, उसका अकेला वही काम नहीं है। हाँ, वो काम तो है ही, लेकिन उसका दूसरा काम है वेल्ड मेटल जो बेस मेटल है उसको कूलिंग करना। वो वेल्ड मेटल हो जाता है, वेल्डिंग ऊपर पड़ता है तो उसको धीरे धीरे कूल करता है और पिनहोल पोरोसिटी का वो कंट्रोल करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वायर इज द फीड फ्रॉम द रील बाय द मोटर ड्रिवन एंड वायर मशीन एंड मूव द वेल्डिंग एंड गन टॉच अलोंग विद जॉइंट। ओके, GMAW में मसला ये है कि यहाँ पे है ना एक वायर स्पीड रहता है, वायर स्पूल रहता है, ये जो है यहाँ पे राउंड राउंड दिखाया, उसमें से वायर आता है, यहाँ से धीरे धीरे आता है। ये जो है यहाँ पे ये जो बटन दिखाया ब्लैक ब्लैक कलर के दो, उसका जितना स्पीड होगा उतना आपका डिपोजिशन ज़्यादा रहेगा। एक फंडा आप याद रखिए, अगर उसका स्पीड ज़्यादा तो आपका डिपोजिशन ज़्यादा, तो करंट भी उसके साथ ज़्यादा। वैसा क्या यहाँ पे क्या कांड होता है कि इसका स्पीड ज़्यादा तो वहाँ पे डिपोजिशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे सीधा कनेक्शन इसका करंट के साथ होता है। ये जो बटन है यहाँ पे जो रील है उसका कनेक्शन डायरेक्ट क्या होता है, करंट के साथ। अगर उसका स्पीड बढ़ा तो करंट बढ़ेगा, स्पीड कम हुआ तो करंट कम होगा, ठीक है। ओके, द प्रोसेस ऑफर हाई प्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिकली बिकॉज द कंज्यूमेबल वायर इज कंटिन्यूअसली फीड एंड दिस प्रोसेस शोन बिलो। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस GMAW जो बोलते हैं जनरल पाइपिंग में ज़्यादातर यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए उसी की वजह से, तो यहाँ पे ऐसा उसका डेंजरस सिचुएशन, मतलब मेरा कहने का मतलब है ये थोड़ा टफ अरेंजमेंट है, ठीक है। मिगमैक प्रोसेस सेमी ऑटोमिक भी हो सकता है, मशीनाइज्ड भी हो सकता है, और ऑटोमेटिक इक्विपमेंट, एक क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको ये याद ही रखना है, ठीक है। इसमें आप ऐसा सोचेंगे कि मैं याद नहीं रखेगा, बाद में एग्जाम के टाइम में देख लेगा तो घंटा भी कोई देखता नहीं है, फिर बाद में रट्टा मार लेते हैं लोग, तो आप याद रखिए मिगमैक वेल्डिंग है वो सेमी ऑटोमिक भी है, सेमी ऑटोमेटिक, मशीनाइज्ड एंड ऑटोमेटिक इक्विपमेंट के साथ चलता है वो, मतलब तीनों इसमें इन्वॉल्व है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि नीचे में से कौन सा है वो फॉल्स है, तो आपको सेमी ऑटोमिक, मशीन एंड ऑटोमिक आएगा, और बीच में नॉन ऑफ द अबव ऐसा भी करके आएगा, तो आपको फॉल्स जो है आंसर वही देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पूछेगा, पूछा जाएगा, तो आप रट लगा दीजिए इसका, अगर नहीं भी याद रहता है तो कैसे भी करके उसको माइंड में ठूस दीजिए। ओके, इन सेमी ऑटोमिक वेल्डिंग उसमें क्या होता है, वायर सेमी ऑटोमिक वेल्डिंग, ठीक है, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक मतलब इसमें क्या होगा कि वायर फीड स्पीड जो है, वायर फीड रेट एंड आर्क लेंथ आर कंट्रोल ऑटोमेटिकली। ओके,
अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, SAW वेल्डिंग बहुत सारे लोगों ने देखा है। SAW वेल्डिंग में क्या होता है, वो जो हमारा वेल्डर है वो क्या करेगा, मेजर टेप से मेजर करेगा और मेजर टेप से मेजर करने के बाद वहाँ पे वो फिक्स कर देगा। वो नोजल है फिर अप एंड डाउन नहीं होगा, पहले उसको जितना रखना है वो अप एंड डाउन करके रख देगा, ठीक है। फिर वो हमारा उसके पास रिमोट रहता है, वो रिमोट में फिक्स कर देगा। मतलब वो जो आपका वर्क पीस है वो, और आपका ऊपर का जो आर्क जो वहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है, वहाँ पे टॉर्च जो है वो दोनों का डिस्टेंस एकदम फिक्स होता है। वो हाथ लगाना का जरूरत नहीं है हमें, वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्लाइडिंग में फिक्स रहता है। हम अगर 5 mm गैप रखते हैं तो 5 mm रहेगा, 10 mm गैप रखते हैं तो 10 mm रहेगा। ओके, तो सेमी ऑटोमिक में आपको ये, मैं पूरा फंडा बोल रहा हूँ, ये पूरा याद ही रखना, आप कैसे भी याद रखो, लेकिन आप अभी समझ लो। सेमी ऑटोमिक में क्या होता है, आपका वायर फीड स्पीड मतलब आपका करंट एंड आर्क लेंथ दोनों फिक्स होता है, ठीक है। आर्क लेंथ आपका मतलब वहां पे मैंने अप एंड डाउन किया है वो रखा है वो, और वायर फीड स्पीड समझो आप स्पीड आप मशीन में पहले फिक्स कर दीजिए या रिमोट में फिक्स कर दीजिए कि 300 mm पर सेकंड, सॉरी mm पर मिनट या 200 mm पर मिनट, ऐसा करके फिक्स कर दीजिए। फिर वो फिक्स ही रहेगा, फिर आपका जॉब में कुछ कांड भी होगा तब भी वो मशीन नहीं रुकेगा, मशीन वही स्पीड पे वही फीड रेट पे और वही लेग आर्क लेंथ पे चलेगा, ठीक है। तो उसी की वजह से उसको सेमी ऑटोमेटिक बोलते हैं। बट ट्रैवल स्पीड एंड वायर पोजीशन आर अंडर द मैनुअल कंट्रोल। तो वेल्डर का कंट्रोल इसमें क्या रहेगा, वेल्डर जो खुद है वो ट्रैवल स्पीड ज़्यादा भी कर सकता है, ट्रैवल स्पीड कम भी कर सकता है, वो वेल्डर के अंडर में रहेगा। और वायर पोजीशन कैसे रखना है, मतलब 1G 2G 3G 4G 5G 6G जो भी, ठीक है, जो भी पोजीशन है वो कोई भी पोजीशन में वेल्डिंग मारना है, वायर का खुद का पोजीशन है वो वेल्डर के अंडर रहेगा। तो हम क्या सीखे कि सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग में हमारा वायर फीड रेट एंड आर्क लेंथ हमारा फिक्स रहेगा, लेकिन ट्रैवल स्पीड एंड वायर पोजीशन जो है वो अलग रहेगा, ठीक है। ओके, अभी मशीनाइज्ड वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग और मशीनाइज्ड प्रोसेस जो है, ऑल पैरामीटर अंडर द ऑटोमेटिकली कंट्रोल, बट दे कैन वेरीड मैनुअल ड्यूरिंग वेल्डिंग। ओके, अभी मशीनरी में क्या होता है, मशीनरी में ये होता है कि आपका सभी पैरामीटर ऑटोमेटिकली वेल्डिंग मशीन के अंदर फिक्स है, आप उसको कुछ भी कांड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे यहाँ पे थोड़ा ट्रैवल स्पीड ज़्यादा करना है, तो आप फिर बीच में ज़्यादा भी कर सकते हैं, रनिंग वेल्डिंग में भी ज़्यादा कर सकते हैं। आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे वायर फीड रेट बढ़ाना है, तो आप ऑन द स्पॉट रनिंग वेल्डिंग में भी बढ़ा सकते हैं। आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे पोजिशन यहाँ पे 2G था, अभी मुझे 3G में ले लेना है वेल्डिंग को, तो रनिंग वेल्डिंग में भी आप ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे सब ऑटोमेटिकली कंट्रोल है, लेकिन फिर मैनुअल के साथ भी अगर करना है तो कर सकते हैं ऐसा। दिस इज स्टीयरिंग ऑफ द वेल्डिंग हेड, मतलब स्टीयरिंग जैसा हम बाइक जो चलाते हैं, हम फोर व्हीलर चलाते हैं, तो क्या करते हैं हम, कभी कभी हमारा कुछ काम रहता है तो एक हाथ से मसाला खाने के लिए हम मसाला भी चलाते रहते हैं और गाड़ी ऑटोमेटिकली चला भी रहता है, ठीक है। फिर हम थोड़ा बहुत डायरेक्शन देंगे तो चला आगे जाएगा वैसा। मतलब दो हाथ अगर स्टीयरिंग के ऊपर आपका नहीं है, वो सेफ्टी के लिए तो हानिकारक है, लेकिन अगर हाथ दोनों आपका स्टीयरिंग के ऊपर नहीं है फिर भी गाड़ी चलेगा, आपको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा, बस वैसा ही सिस्टम यहाँ पे है, ठीक है। एंड एडजस्ट द वायर फीड स्पीड एंड आर्क वोल्टेज आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिर ऑटोमेटिक इक्विपमेंट में क्या होता है, देखो हमने देखा कि भाई हमारा सेमी ऑटोमेटिक में हमारा वायर फीड स्पीड एंड आर्क लेंथ हमारा कंट्रोल में होता है, लेकिन वायर ट्रैवल स्पीड एंड पोजिशन हम मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। मशीन में सभी चीज ऑटोमेटिक है और साथ में मैन्युअल जैसा एक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन की बात करें तो ऑटोमेटिक में क्या होता है, देर इज अ नो मैन्युअल इन्वर्टर ड्यूरिंग वेल्डिंग। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सब चीज मशीन के ऊपर है। मशीन चला, स्टार्ट हो गया तो हो गया, फिर हमको सीधा एंड बटन ही दबाना है, क्लोज बाओ क्लोज हो जाओ ऐसा करके, तो आप क्लोज डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बीच में आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे करंट बढ़ा देना है, तो घंट भाई भी नहीं बटेगा। ओके, तो ये ऑटोमेटिक इक्विपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बात हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, वेल्डिंग मशीन कैसा होता है, उसका अरेंजमेंट बहुत डेंजरस तरीके से होता है, इसकी वजह से यह कॉस्टली है। उसमें आपको आर्गन सिलेंडर या CO2 का शील्डिंग गैस आपको जनरली ज्यादातर यूज होता है। ओके,
अभी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आर्गन भी यूज होता है, CO2 भी यूज होता है, ये मांजरा क्या है। तो मांजरा भाई ये है, कभी कभी CO2 का जरूरत पड़ता है तो CO2 हम यूज करते हैं, कभी कभी हमारा आर्गन का जरूरत पड़ता है तो आर्गन यूज करते हैं, कभी कभी हमें ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है तो ऑक्सीजन भी मिक्स के साथ यूज करते हैं, कभी कभी हीलियम का जरूरत पड़ता है तो हम हीलियम भी यूज कर सकते हैं। ये मशीन में सभी हम यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है नया नया चीज, तो कि अभी जो रिसर्च हुआ है उसमें ये जो पावर सोर्स है उसमें ट्रांसफार्मर थोड़ा बहुत फिट कर दिया गया है जो कि हम लोगों को सपोर्ट करे। ओके, अभी मैं बोलता हूँ शील्डिंग गैस, यहाँ पे मुझे ज्यादा दिखाने का जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ इसमें ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ। वेल्डिंग टॉर्च आपने लोगों ने देखा ही है, यहाँ पे टॉर्च है, यहाँ पे ये बटन है रेड कलर का, जैसे ही दबाएंगे वो वेल्डिंग मशीन चल पड़ेगा, ठीक है, वेल्डिंग हमारा स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बीच में ये जो यहाँ पे दोनों दिखाया है, एक दूसरा जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहता है, WPS में अगर डिस्टेंस लिखा है 5 to 8 mm तब यहाँ पे आपको 5 to 8 mm ही रखना है। ओके, अभी दूसरी बात, ये प्रोसेस जो है GMAW मतलब मिगमैग वेल्डिंग, वो जो है वो कंट्रोल कांस्टेंट करंट प्रोसेस है। क्यों कांस्टेंट करंट प्रोसेस है, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि वेल्डर जो उसके हाथ में टॉर्च होगा, टॉर्च अप एंड डाउन होता रहेगा, ठीक है, अप एंड डाउन होता रहेगा, लेकिन ये वायर का यहाँ पे ऐसा सिस्टम अरेंजमेंट है कि अगर आप यहाँ पे टॉर्च को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वायर थोड़ा बाहर निकल जाएगा ज्यादा, जितना आप ऊपर ले जाएंगे उतना वायर ज्यादा निकलेगा, जितना नजदीक लाएंगे उतना वायर कम निकलेगा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे फिक्स रहेगा। डिस्टेंस अगर आर्क लेंथ फिक्स है, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, ठीक है, अगर आर्क लेंथ फिक्स है तो आपका वोल्टेज भी यहाँ पे फिक्स रहेगा। तो इसके लिए कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस है, कांस्टेंट करंट प्रोसेस नहीं है ये प्रोसेस, ठीक है। तो ये थोड़ा बंदा याद रखिए, आगे मैं थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, अभी बराबर करेक्ट किया। ओके, वन है वो रिटर्न लीड है, आपको वर्कपीस को डीसी पॉजिटिव में डालना है, सॉरी इलेक्ट्रो टॉर्च को डीसी पॉजिटिव में डालना है, फिर बाद में वर्कपीस को आपको डीसी नेगेटिव में डालना है। ये सब चीज आपको एडवांटेज का क्या, कंटिन्यूस वायर फिर मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा वेल्डिंग, धन धना धन, ठीक है। तो ये भी हमारे अच्छी बात है, ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक सेल्फ रेगुलेशन आर्क लेंथ, मतलब आर्क लेंथ आप ऑटोमेटिक है वो आप उसको रेगुलेशन कर सकते हैं। ओके, हाई डिपोजिशन रेट एंड मिनिमल नंबर ऑफ स्टॉप एंड स्टार्ट, तो हमारा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में क्या है, GTAW प्रोसेस में क्या है, ये साला आर्क का स्टार्ट वापस करना और एंड वापस करना, मतलब जान यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट वो बहुत सारा आएगा और हर बार हम ग्राइंडिंग से घिसना पड़ेगा स्टार्ट पॉइंट को और एंड पॉइंट को हर बार घिसना पड़ेगा। लेकिन SAW वेल्डिंग, GMAW वेल्डिंग, FCAW वेल्डिंग वो सब चीज़ नहीं है, क्योंकि उसके पीछे वायर स्पूल बहुत बड़ा बम्बू है, वो बम्बू चलता रहेगा, वो घूमता रहेगा, वेल्डिंग का फिलर आता रहेगा और वेल्डिंग होता रहेगा। हाई डिपोजिशन रेट भी है और स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट बहुत कम आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो कंटिन्यूस वायर वहाँ पर फिलर है इसके वजह से, ठीक है। हाई कंज्यूमेबल इफिशियंसी जो आपका है वो एकदम हाई है, आपको एकदम 5-star वेल्डिंग मिलेगा और अच्छा वेल्डिंग मिलेगा, कंज्यूमेबल जितना आप यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप 10 kg का कंज्यूमेबल लिया तो 10 kg मोस्टली यूज हो जाता है आपका एकदम सिंपल। और लेकिन आर्क वेल्डिंग में क्या है, पीछे का जो हमारा स्टब बिन है वो हम फेंक देते हैं, पीछे हम 50 mm, कभी तो आधा इलेक्ट्रोड भी छोड़ देते हैं, हम फिलर में भी कभी कभी पीछे का जो पार्ट है वो छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई कांड होता नहीं है। ओके, हीट इनपुट जो है वो इसका 0.1 से 2 kJ/mm है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग इंपैक्ट टफनेस में ये वेल्डिंग अगर यूज करना चाहते हैं तो आपको सोच समझ के करना चाहिए। ओके, लो हाइड्रोजन पोटेंशियल प्रोसेस, मतलब इसमें हाइड्रोजन क्रैक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लक्स जैसा कोई सिस्टम नहीं है, इसकी वजह से आपको कम आएगा, हाइड्रोजन वैसे आएगा ही नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन पोटेंशियल प्रोसेस मतलब हाइड्रोजन क्रैक आने का चांस नहीं है, हमने बहुत सारे पहले सेशन में एक डिस्कस किया था हाइड्रोजन क्रैक के बारे में, तो इसमें मैं बहुत सारा सब चीज समझाया था कि किस किस में हाइड्रोजन क्रैक आएगा, किस किस में नहीं आएगा, किस किस में पॉसिबिलिटी है, किस में नहीं है। SAW है तो उसमें पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन क्रैक का, लेकिन हमारा रनिंग वेल्डिंग, हमारा GTAW है मिगमैग वेल्डिंग, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वेल्डर हैज गुड विजिबल ऑफ वेल्ड स्पूल एंड जॉइंट लाइन, आपको वेल्डर को भी अच्छा सा गुड विजिबिलिटी मिलेगा, मतलब वेल्डर भी वेल्डिंग मारता है वो देख पाएगा कि हाँ अच्छा सा वेल्डिंग हो रहा है, एकदम लाइन में जा रहा है, कुछ अगल बगल में वो घूम नहीं गया है, अगल बगल में वेल्डिंग ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एकदम शानदार तरीके से देख सकता है वैसा वेल्डिंग है। ओके, लिटल और नो पोस्ट वेल्ड क्लीनिंग, आपको पोस्ट क्लीनिंग का जरूरत नहीं है। जनरली हमारा क्या है, आर्क प्रोसेस में एक रोड मारो या फिर पूरा पास खत्म हो जाएगा, फिर हमको ग्राइंडिंग करना पड़ेगा,
फिर पूरा पास एक समझो फॉर एग्जांपल के तौर पे रूट आपने आर्क वेल्डिंग से मारा तो फिर रूट को क्लीन करना पड़ेगा, फिर वॉट पास मारते हैं फिर वॉट पास को भी क्लीन करना पड़ेगा, फिर फिलअप मारते तो फिर फिलअप को क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कांड नहीं होगा, एकदम शानदार मार दो खलास आगे बढ़ते रहो, ठीक है ऐसा वेल्डिंग। शमशुद्दीन सर क्या हुआ आपको, बहुत ज़रा लेफ्ट राइट हो रहा है, ठीक है थोड़ा अच्छे से ज्वाइन हो जाइए सर नेटवर्क में आके। ओके कैन बी यूज इन ऑल पोजिशन बट ओनली डीप ट्रांसफर में, ठीक है भले ही यहाँ पे ऑल पोजिशन लिखा है, एक क्वेश्चन आएगा आपको कि डीप ट्रांसफर में आप कौन सा पोजिशन में वेल्डिंग कर सकते हैं, तो ऑल पोजिशन में कर सकते हैं खाली डीप ट्रांसफर में, ठीक है दूसरा कोई नहीं। ओके गुड प्रोसेस कंट्रोल पॉसिबिलिटी, प्रोसेस का कंट्रोलिंग सिस्टम भी अच्छा है, वायर रेंज एंड एप्लीकेशन। डिसएडवांटेज इसका क्या है, जो लेटेस्ट रिसर्च हुआ है उसमें डिसएडवांटेज थोड़ा बहुत इंप्रूव करवाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ डिसएडवांटेज है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नो इंडिपेंडेंट कंट्रोल इन फिलर एडिशन, अदर से आपको फिलर समझो वो वायर पुल खत्म हो गया, आपने 10 केजी का वायर पुल चढ़ाया वो फिर चलता गया वेल्डिंग फिनिश हो गया, फिर वेल्डिंग फिनिश होने के बाद वेल्डिंग फिनिश नहीं वो वायर स्पूल फिनिश हो गया, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वेल्डिंग को स्टॉप करना पड़ेगा, नया वो स्पूल यहाँ से स्टोर से लाना पड़ेगा, उसको चिपकाना पड़ेगा, फिर वापस उसके अंदर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, फिर उसका फीड स्पीड वापस चेक करना पड़ेगा, ये सब चीज़ करना बहुत मुश्किल काम है, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे आपका जो फिलर एडिशन जो कंटिन्यूस होता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है तो ये थोड़ा मसला है, तो सबका थोड़ा थोड़ा मसला है, ठीक है। डिफिकल्ट टू सेट अप द ऑप्टिमम पैरामीटर मिनिमाइज द स्पैटर लेवल, सबसे डेंजर बात यहाँ पे ये है कि स्पैटर सबसे ज्यादा आता है GMAW में, ठीक है GTAW में स्पैटर बहुत कम आते हैं, SMAW में भी थोड़ा ज्यादा आते हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट स्पैटर अगर मेजर किया जाए तो FCAW एंड GMAW में आते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है वो हमारा जो करंट है उसका हीटिंग है वो ऊपर से गिरता है तो अगल बगल में फैलता भी है, और फैलने के बाद वो ड्रॉप बहुत सारे छांटे जैसे उड़ते हैं, छटकाव जैसे उड़ते हैं और स्पैटर बन जाते हैं। ओके तो स्पैटर का ये आप याद रखिए कि सबसे ज़्यादा स्पैटर आता है। रिस्क ऑफ लेक ऑफ फ्यूजन व्हेन यूजिंग अ डीप ट्रांसफर इन और थिकर वेल्ड मैट, थिकर वेल्ड मैट में डीप ट्रांसफर आप जनरेट करते हैं तो डीप ट्रांसफर में कांड ये होता है कि वो जो आपका ट्रांसफर हो रहा है उसमें हीट जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, हीट कम प्रोड्यूस होने की वजह से आपका वेल्ड मेटल का जो ड्रॉप है वो जैसे ही नीचे गिरेगा तो एयर में थोड़ा ट्रैवल करेगा, भले ही 3 mm 4 mm लेकिन एयर में तो ट्रैवल करेगा ना, 3 mm 4 mm जितना भी एयर में ट्रैवल करता है उस टाइम पे उसका टेम्परेचर सडनली बहुत सारा फॉल हो जाता है, और सडनली फॉल होने के बाद जैसे ही वेल्ड मेटल के ऊपर गिरता है तो और फॉल होता है, क्योंकि वेल्ड मेटल तो पहले से ही थोड़ा बहुत गर्म इतना भी नहीं है और ऑलरेडी वो ठंडा है, उसका पूरा बेस मेटल की बात करें तो बहुत ठंडा रहता है, तो उसी की वजह से डीप ट्रांसफर में कांड ये होता है कि जैसे ही आपका मेल्ट जो हुआ आपका फिलर वो नीचे गिरने के बाद जहाँ पे गिरता है वो थोड़ा बहुत ऐसे पानी जैसे फैलना चाहिए वैसा फैलता नहीं है, और वैसा फैलता नहीं है उसी की वजह से लेक ऑफ फ्यूजन आने का सबसे बड़ा चांस है। ओके वो डीप ट्रांसफर में हाई लेवल इक्विपमेंट मेंटेनेंस, आपने देखा अभी मैंने इक्विपमेंट दिखाया आपको कि वो बहुत डेंजरस तरीके से बनाया गया है, तो इसका मेंटेनेंस अगर आता है तो पसीने निकल जाते हैं, बहुत कांड हो जाता है आपको, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है ये, इसमें सब चीज़ अरेंज करना, वायर फिर पूरा ऊपर से करंट का मशीन में कुछ कांड हो गया तो वो रेगुलेटर बिगड़ गया तो वो मशीन में यहाँ से प्रॉपर फीड से वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो सब चीज़ आपको देखना बड़ा मुश्किल है, मेंटेनेंस उसका हाई है। लो हीट इनपुट कैन लीड हायर हार्डनेस वैल्यू, लो हीट इनपुट हाई हार्डनेस, हाई हीट इनपुट लो टफनेस, वो आपको फंडा याद ही है, मैं ऑलरेडी आगे वाले सेशन में समझाया है। तो आपका अगर हीट इनपुट लो है तो लो हीट इनपुट की वजह से आपका हार्डनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये आप जो हाईलाइट किया है वो बहुत सारे आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप ये फंडा याद रखिए। इससे आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आएगा कि ट्रैवल स्पीड मेरा हाई है तो हार्डनेस कैसा होगा, तो हीट इनपुट इज इक्वल टू करंट वोल्टेज डिवाइडेड बाय ट्रैवल स्पीड, तो आपका हीट इनपुट जो है वो हाई होगा, हाई हीट इनपुट लो टफनेस, लो हीट इनपुट हाई हार्डनेस, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ओके हायर इक्विपमेंट कॉस्ट देन MMA वेल्डिंग, इक्विपमेंट जो कॉस्ट है आपका वो बहुत डेंजर है, बहुत हायर है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। SMAW में तो एक डिब्बा था, एक हाथ से उठाओ और लेके चले जाओ, एकदम छोटा आजकल का जो मशीन आ गया है वैसा है, लेकिन GMAW में ऐसा नहीं है, बहुत भारी भरकम है वो, और उसको हम उठा भी नहीं सकते हैं, उसको थोड़ा
उसको धक्का मार के हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिटी है उसका, मशीन का, मशीन बड़ा है, इसी की वजह से वो यहाँ पे क्लियर लिखा है का हायर इक्विपमेंट कॉस्ट देन MMAW, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा है, ठीक है। MMAW आपको जनरली अभी क्या है 15,000 से 20,000 या 30,000 50,000 तक मिल जाएगा आपको वेल्डिंग मशीन, लेकिन GMAW का वेल्डिंग मशीन को आपको ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा। ओके, साइट वेल्डिंग रिक्वायर्ड स्पेशल प्रिकॉशन टू एक्सक्लूड ड्राफ्ट विच मे डिस्टर्ब द गैस शील्डिंग, मतलब साइट वेल्डिंग रिक्वायर्ड द स्पेशल प्रिकॉशन ऑफ एक्सक्लूड द ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब आपके समझो गल्फ कंट्री, आपका सऊदी में आप काम कर रहे हैं या दुबई में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे सैंडस्टॉर्म आया, तो सैंडस्टॉर्म थोड़ा बहुत भी है, एकदम स्मॉल सैंडस्टॉर्म है, तब भी आप वहाँ पे कांड हो सकता है, आपकी गैस जो है वहाँ पे बाहर से आप जो CO2 दे रहे उसको वो डिस्टर्ब कर सकता है, और ड्राफ्ट की वजह से आपको पोरोसिटी, पिन होल, ये सब चीज़ आने का चांसेस है। ओके, अभी दूसरी बात, अब जो साइट वेल्डिंग रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखा है कि साइट वेल्डिंग रिक्वायर्ड स्पेशल प्रिकॉशन, तो हम लोग क्या करते हैं साइट वेल्डिंग में, तो हम लोग पूरा ढक देते हैं, भले ही हमें पसीना चढ़ जाए या भी जो भी हो, वेल्डर को दिक्कत हो, लेकिन हम सब जगह से ढकते हैं वेल्डिंग को और फिर वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं, ताकि वहाँ पे बाहर का जो एयर है वो डिस्टर्ब ना करे हमारे वेल्ड मेटल के ऊपर, बाहर का एयर है वो हमारे हमें ड्राफ्ट ना करे, मतलब कि कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि सैंडस्टॉर्म होता है उस टाइम पे या फिर रेन होता है उस टाइम पे हम वेल्डिंग बंद कर देते, उसका रीज़न क्या है, उसका भाई यही रीज़न है, नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो हम लोगों को वेल्डिंग मारने के टाइम पोरोसिटी आ जाएगा, वेल्डिंग मारने के टाइम पिनहोल आ जाएगा, अगर ऐसा ही एनवायरमेंट में हमने काम किया तो बाहर का ऑक्सीजन अंदर एंट्रैप करेगा वेल्ड मेटल के अंदर, और वहाँ पे जो हमने CO2 ऊपर से डाल रहे हैं तो वो पूरा तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करेगा उसको, अब धक्का लगाएगा उस CO2 को और बेस मेटल को ओपन करेगा, बेस मेटल अगर गर्म है और उसको ओपन करेगा उसके ऊपर CO2 नहीं घूरेगा, तो बाहर का जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वो सब चीज़ें वो वेल्ड मेटल के ऊपर इफेक्ट करेगा और वहाँ पे पोरोसिटी बनाएगा। ओके, अभी मैं ये बात करूँ कि एक मिनट है, एक मिनट सर, मेरा फोन आ रहा है। हाँ सर, यस सर, नहीं सर अभी नहीं देखा, लेकिन मैं जस्ट देख लेता हूँ सर। पेंट, हाँ सर, है ना सर, एक है Nest Level 2 है, Nest Level 2 भी है, बिगेस्ट वाला भी है, बिगेस्ट वाला है सर। सर लेकिन लेटर उसने भेजा सर, मुझे पता नहीं है। मतलब आपने बात किया सर ऐसा? हाँ, चलो मैं देख लेता हूँ सर, अभी तक तो नहीं मिला है। हाँ Nest Level 2 भी है और बिगेस्ट भी है, बिगेस्ट सर पेंटिंग का ही है ना, पेंटिंग का Nest Level 2 का ऑप्शन है, जो लोग Nest Level 2 नहीं होते वो बिगेस्ट वाले होते हैं ऐसा, तो जनरली इंडिया में Nest कवर होता है, लेकिन बाहर की कंट्रीज जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पे Nest भी अप्रूव है और बिगेस्ट भी है, इंडिया में भी अभी बिगेस्ट स्टार्ट हो गया, बहुत सारी कंपनियाँ बिगेस्ट भी लेना स्टार्ट। हाँ सर मैं भेजता हूँ, अभी थोड़ा मीटिंग चल रहा है सर, उसको 10 या 12 ईयर का एक्सपीरियंस है सर। यस श्योर श्योर सर, अभी नहीं, अभी थोड़ा मीटिंग चालू है सर, मैं मीटिंग फिनिश करके भेजता हूँ सर, है ना सर। ओके यस श्योर सर, ओके थैंक यू वेरी मच सर आपका सपोर्ट के लिए। हाँ ओके सर, हाँ नो प्रॉब्लम सर, लेकिन सर आपको बोला उसने कि लेटर भेजेगा ऐसा बोला, पॉजिटिव बोला? ओके सर नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच सर, ओके हाँ नो प्रॉब्लम सर, यस सर। ओके, तो इसका डिसएडवांटेज में हमने ये सब चीज़ बात किया, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जॉइंट पार्ट नॉट गुड इन MMA एंड वेल्डिंग, जॉइंट पार्ट एक्सेस इज नॉट गुड। ओके, अभी क्या होता है SMAW में खूने खाचरे एकदम कॉर्नर पे जाके किधर भी घुस जाके और छोटा सा जगह है उसमें भी घुस जाके वेल्डिंग मार देते हैं, हम आर्क वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग मार देते हैं, लेकिन
जीएमएडब्ल्यू में ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसको तो एकदम अच्छा सा स्पेस चाहिए, अच्छा सा अगल बगल में कुछ जगह चाहिए वेल्डिंग मारने के लिए, तभी जाके प्रॉपर वेल्डिंग आएगा। और आपका मिग मेग में क्या था, हम लोग ऊपर तक वेल्डिंग जो हमारा समझो कोई हाइट पे वेल्डिंग मारना है तब भी वहाँ पे मशीन लेके हम चल जाते, तो यहाँ पे तो ये कांड हो जाएगा, आप मशीन कितना उठाएंगे, आप समझ रहे हैं ना बात। तो अगर आप मशीन को ऊपर लेके जाएंगे भी लेकिन वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जगह नहीं होगा तब भी आप नहीं मार सकते हैं। क्लीनिनेस ऑफ बेस मेटल स्लेक प्रोसेस टॉलरेंस ग्रेटर कंटामिनेशन, तो आपको ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। मैं थोड़ा कंटामिनेशन की बात कर देता हूँ, कंटामिनेशन है क्या, कभी क्या होता है वायर्ड फीड्स फूड हमारे इंडिया में तो ऐसा ही होता है, मैं बहुत सारी कंपनियां में ऐसा देखा, बहुत सारी कंपनी में ऑडिट किया, तो उस टाइम पे मुझे यही सीखने को मिला, मतलब सीखने को बोलो तो सीखने को वरना मुझे देखने को मिला, जो भी आप समझे, मुझे तो यही देखने को मिला कि भाई वेल्डिंग जो उसका इलेक्ट्रोड है उसका प्रॉपर कंट्रोल ही नहीं है, ऐ धनाधन चल रहा है सब जगह पे। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों का भी नाम मैं नहीं दे रहा हूँ लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि वहाँ पे कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है। अरे मेरे भाई, सबसे कॉस्टली मटेरियल है आपका फिलर है, आपका इलेक्ट्रोड है, आपका फ्लक्स है, उसको प्रॉपर तरीके से आप कंट्रोल नहीं करेंगे, फिर आप सोचेंगे कि वेल्डिंग में कांड हो गया, तो कांड हो गया ही, बम्बू हो गया ही आपको। लेकिन आप पहले से ही अगर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल रखते हैं, आज गल्फ कंट्री क्यों हमसे आगे है, आज वो लोगों के पास क्यों इतना टेक्नोलॉजी हाईफाई है, क्यों, क्योंकि वो लोग प्रॉपर कोड का लाइन बाय लाइन फॉलो करते हैं, लेकिन आजकल हम चलता है वर्ड की वजह से कुछ फॉलो नहीं करते हैं और इलेक्ट्रोड जो है वो स्क्रैप होल्डिंग में मिला रहता है, इलेक्ट्रोड जो है वो जो हमारा जमीन पे बहुत सारा मिला रहता है। और मेरे भाई आप इतना सोचो, जो पीछे का टुकड़ा रहता है ना, मिग मैग वेल्डिंग हो या SMAW या FCAW जो भी हो, लास्ट में एक छोटा सा टुकड़ा बचता है, हम आर्क वेल्डिंग मारते हैं ना तो उसको स्टब बिन बोलते हैं, तो वो स्टब बिन भी आपको जमीन पे गल्फ कंट्री में नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा अगर PID ने पकड़ लिया तब आपका बम्बू बजा सकता है, वो एरिया का इंस्पेक्टर है उसको बोल सकता है आप क्या कंट्रोल कर रहे हैं। हाउ टू कंट्रोल द प्रिवेंट एंड प्रिकॉशन रिगार्डिंग दिस ऑफ SMAW स्टब बिन इलेक्ट्रोड, ऐसा करके आपको बम्बू फिट कर सकता है, तो उसका भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। कोड में भी मैं Section 2C करवाया था लाइन बाय लाइन, उसमें भी मैं समझाया था कि मिनिमम 50 mm स्टब बिन रहना चाहिए, और 50 mm अगर स्टब बिन नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अभी बहुत सारे लोगों का ऐसा बोलना है कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आई थिंक स्क्रीन दिख रहा है, कुछ चैट में डाल दीजिए, स्क्रीन दिख रहा है बराबर, ओके सर, ओके नाफिस सर, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि अभी आप लोग कंट्रोल करिए, अगर कुछ चीज़ कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, मैं एक फंडा बोलता हूँ, SMAW है उसका इलेक्ट्रोड जैसे तैसे पड़ा है तो उसमें हाइड्रोजन बैठ सकता है, आपका GMAW है उसका वायर स्पूल है, प्रॉपर तरीके से आपने स्टोरेज नहीं किया तो आपका एटमोस्फेरिक का इफेक्ट उसके वायर जो फिलर है उसके ऊपर पड़ सकता है और रस्टिंग हो सकता है, आपका GTAW है उसका फिलर है उसको ओपन रखा है तो उसमें भी रस्ट हो सकता है, तो वो रस्ट क्या करेगा, वो रस्ट पिनहोल लाएगा, पोरोसिटी लाएगा मेरे भाई। तो आप सब चीज यही अगर कंट्रोल नहीं कर रहे हो, एकदम फंडा है सिंपल, नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम कंट्रोल नहीं करते, कंट्रोल कैसे करना चाहिए, Section 2C के जो दिखाया है वैसे कंट्रोल करना चाहिए, और उस Section 2C में क्या दिखा है कि भाई हमारा जो कंज्यूमेबल है उसको कैसे रखना है, कितने टेम्परेचर पे रखना है, कितना ह्यूमिडिटी पे रखना है, वो सब चीज लिखाया गया है, उसमें ये भी लिखा है कि मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन मस्ट हैव यू मस्ट फॉलो, ऐसा करके मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेशन। अगर मैं हिसाब की बात करूँ तो हिसाब का रिकमेंडेशन क्या होता है जनरली SMAW इलेक्ट्रोड के लिए, कि आप इलेक्ट्रोड है उसको 22 degrees से 36 degrees के बीच में रखो टेम्परेचर, आपका ह्यूमिडिटी हो 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 55 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, अलातूल जहाँ पे मन मर्जी चाहे वहाँ पे रख दो, हमको प्रोडक्शन चाहिए, पैसा चाहिए, बस पैसा के चक्कर में रिवर्क भले ही आए। मैं आपको एक बार समझाया था, बहुत हमारा पहले सेशन हुआ था उसमें, कि हमारा एक सिंगल पोरोसिटी रिवर आता है ना हमारा 1 lakh का, मैं पूरा कैलकुलेशन करके समझाया था क्या क्या कहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, एज अ डिज़ाइन में, डिज़ाइन से लेके वो पोरोसिटी का RT फिल्म से लेके आप वापस रिपेयर करते हैं, वापस RT लेते हैं, उतने बीच में बहुत सारे लोग परेशान हुए, कौन कौन किसके पास ये एंट्री रहा, कंप्यूटर में एंट्री करना, ये सब चीज़ करना, उसका ट्रेसअप लाना, सब चीज़ का मैं कैलकुलेशन करके समझाया था कि आपका एक सिंगल जाटू जैसा पोरोसिटी आपको 1 lakh का प्रॉब्लम कर सकता है। तो आपको, आप इंजीनियर है तो इंजीनियर के
बेस पे हमें क्या करना है, वेल्डिंग इंजीनियर के बेस पे, कि हाँ हमारा कंपनी का कॉस्ट बचाना है, हमें कंट्रोल करना है, ये सब चीज हमको पकड़ के रखना है, भले ही प्रोडक्शन वाला हमारे ऊपर फोर्स करे या ना करे, लेकिन अगर हम लोग पकड़ के नहीं रखेंगे तो रिवर काएगा, रिवर काएगा ऑल ओवर, आपका प्रोडक्टिविटी में ही प्रॉब्लम करेगा, और प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम करने के बाद आपका कॉस्ट कंट्रोल प्रॉब्लम होगा। ओके, प्रोसेस वेरिएबल, प्रोसेस वेरिएबल हम क्या क्या आज डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारा पहला है वेल्डिंग करंट एंड वायर फीड स्पीड। तो वायर फीड स्पीड एंड वेल्डिंग करंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे लोग ऐसा सोचेंगे कि वायर वेल्डिंग करंट एंड वायर फीड स्पीड दोनों को सेम दिया गया है, ऐसा क्यों, दोनों एक ही है स्लैश करके दिया गया है, तो वो हमें आगे आएगा तो समझाएगा। वोल्टेज, गैसेस, ट्रैवल स्पीड, इलेक्ट्रोड ओरिएंटेशन, इंडक्टेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और कॉन्टैक्ट टिप्स टू वर्क डिस्टेंस, ये इसमें आपको दो क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें दो क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। नोजल वायर डिस्टेंस एंड शील्डिंग गैस नोजल एंड टाइप ऑफ मेटल ट्रांसफर, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ठीक है। ये चैप्टर में से जितना भी प्रोसेस है सभी में से सबसे ज्यादा इसी में से क्वेश्चन आते हैं। वायर फीड स्पीड एंड करंट, तो अभी मैं आपको ये बोलूं कि वायर फीड स्पीड कहाँ से कंट्रोल होता है, यहाँ पे आपका बटन है वहां पे, अगर ज्यादा बटन दबाएंगे यहाँ से फिर लेके यहाँ पे वायर स्पूल है, जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा फिलर निकलेगा, तो यहाँ पे करंट का सेटअप होता है। ये जो यहाँ पे रोलर रहता है, दोनों रोलर कॉपर कंटेन रोलर रहते हैं, यहाँ पे कॉपर लिखा हुआ, कॉपर का वो स्लाइडर रहता है, वो क्या करेगा, वो घूमता रहेगा राउंड राउंड, दो गरगड़ी टाइप जैसा रहेगा। जो लोग रोलिंग मिल में काम किया है उसमें आपने देखा होगा कि कोई बीम बनता है तो पूरा मेटल लावा जैसा होता है, वो मेटल एक बीम के जैसा गिर जाता है, फिर बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता है, टेम्परेचर फॉल होता जाता है, रोलर उसके ऊपर दबाते जाते हैं, तो वो लंबा भी होगा छोटा भी होगा डिपेंड ऑन रोलर का फोर्स के ऊपर। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, ये जो रोलर है यहाँ पे, वो रोलर अगर ज्यादा घूमेगा तो ज्यादा करंट बाहर निकलेगा, और करंट बाहर नहीं निकलेगा, सॉरी मुझे ये बोलना है कि ज्यादा वायर बाहर निकलेगा, अगर ज्यादा वायर बाहर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली उसका कनेक्शन करंट के साथ होगा, करंट भी ऑलरेडी बढ़ेगा, इसी की वजह से यहाँ पे दोनों को सेम चीज लिखा है कि वेल्डिंग करंट एंड वेल्ड फीड स्पीड। तो ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पे करंट का कोई मसला नहीं है। आप अगर करंट की मैं बात करूं तो आपको यही समझना है कि वायर फीड स्पीड, ठीक है, वायर फीड स्पीड इंक्रीज द वायर फीड स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज द करंट, करंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा इन द वायर, ठीक है। वायर आर जनरली प्रोड्यूस 0.6 का भी वायर होता है, 0.8 का भी वायर होता है, 0.11 डाया का भी वायर होता है, 1.2 डाया का वायर होता है, 1.4 डाया का, 1.6 डाया का वायर होता है, तो इतने टाइप के वायर हमारे पास अवेलेबल है। तो आप कोई भी वायर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपका WPS में लिखा है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, वोल्टेज, वोल्टेज अगर बढ़ा तो क्या कांड होगा, वोल्टेज कम होगा तो क्या कांड होगा, उसका मैं थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। वोल्टेज सेटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग इन स्प्रे ट्रांसफर, आप स्प्रे ट्रांसफर में आपका वोल्टेज सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, अगर आपने प्रॉपर तरीके से वोल्टेज को सेटअप नहीं किया तो आपका स्प्रे ट्रांसफर में भी आर्क लेंथ में भी प्रॉब्लम कर सकता है, आपका स्प्रे ट्रांसफर वो वेल्डिंग में भी प्रॉब्लम कर सकता है, आपका डिपोजिशन में भी प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, फिर से मैं बोलता हूँ, वोल्टेज सेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग इन स्प्रे ट्रांसफर एज इट कंट्रोल द आर्क लेंथ। तो आपको तो मैं ऑलरेडी समझाया है कि भाई आर्क लेंथ है वही वोल्टेज है, ऐसा समझ लो, अगर आर्क वोल्टेज, आर्क लेंथ बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, आर्क लेंथ कम होगा तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली कम होगा। क्यों, क्योंकि देखो मैं एक सिंपल बोलता हूं कि यहां पे समझो आपका आर्क लेंथ लास्ट वाले में ज्यादा है, आर्क लेंथ ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा दूर है, दूर है इसका मतलब कि वेल्ड मेटल यहाँ पे ये जो फिलर है वहां पे आगे थोड़ा मेल्ट होगा, वो मेल्ट होता है उसको धक्का मारना है, तो यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा ट्रैवल करवाना है क्योंकि यहाँ पे गैप ज्यादा है, समझ रहे हैं ना आप, गैप ज्यादा है तो धक्का ज्यादा मारना पड़ेगा, तो ज्यादा मारने के चक्कर में वहां पे जो वोल्टेज है वो ऑटोमेटिकली मशीन में ऐसा सेटअप है कि वो ज्यादा वोल्टेज जनरेट होगा, तो ज्यादा धक्का मारेगा, ज्यादा धक्का मारेगा, इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ अगर गैप आपका ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा, गैप कम तो वोल्टेज कम। ये सब चीज हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग मशीन में सेटअप है, आपको ये सब चीज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग में ऑटोमेटिकली ये सब चीज दिया गया है। ओके, अभी दूसरी बात, अगर आपका एकदम नजदीक, ठीक है, ये जो टॉर्च है एकदम नजदीक है, दोनों के बीच में गैप कम है, तो गैप कम है तो आपको वोल्टेज को ज्यादा धक्का मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो जो मेल्टिंग हो चुका है उसको,
जस्ट स्मॉल पुश करेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा और सीधा वो वेल्ड मेटल के साथ टच हो जाएगा, और वेल्ड मेटल के साथ टच होने के बाद वो फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पे गैप कम वोल्टेज कम, गैप ज्यादा वोल्टेज ज्यादा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये हो गया स्प्रे ट्रांसफर में। इन डीप ट्रांसफर ऑल्सो अफेक्ट द राइज द करंट एंड ओवरऑल हीट इनपुट इन टू द वेल्ड। डीप ट्रांसफर में आपका अगर करंट रेस होता है तो ऑटोमेटिकली हीट इनपुट भी इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा? हीट इनपुट इज इक्वल टू करंट ट्रैवल स्पीड अपन करंट इन टू वोल्टेज अपन ट्रैवल स्पीड, ऐसा करके है। इसके लिए इंक्रीज द बोथ फीड स्पीड एंड करंट वोल्टेज विल इंक्रीज द हीट इनपुट। देखो आपका वायर फीड स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है। अगर करंट बढ़ा है और वोल्टेज अगर इंक्रीज होता है तो करंट इनटू वोल्टेज अपॉन ट्रैवल स्पीड, तो करंट इनटू वोल्टेज करेंगे तो इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ, दोनों इंक्रीज हो गया तो आपका हीट इनपुट ज़्यादा आएगा ना। तो इसी की वजह से यहाँ पे लिखा है कि हीट इनपुट भी आपका इंक्रीज होगा। वेल्डिंग कनेक्शन नीड टू बी चेकड इन फॉर साउंडनेस। ओके, वेल्डिंग कनेक्शन नीड टू बी चेक ऑफ फॉर साउंडनेस एज अ लूज कनेक्शन विल रिजल्ट एज रेजिस्टेंस विल कोज द वोल्टेज ड्रॉप एंड सर्किट एंड विल अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल्डिंग आर्क। अगर आपका लूज कनेक्शन है, लूज कनेक्शन कहाँ पे होगा मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आपने ये जो टोटी आगे का है, आगे का जो कैप है, वो जो है आपने प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं किया होगा। यहाँ पे आपका बटन है वो प्रॉपर तरीके से अंदर लूज हो गया होगा, तब भी कांड हो सकता है। यहाँ पे जो रोलर है आपका वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तब भी आपको कांड हो सकता है। यहाँ पे मशीन है उसमें वोल्टेज के, यहाँ पे हमारा डीसी नेगेटिव में हमने ये घुसाया है हमारा वर्क पीस को, तो वहाँ पे भी कांड हो सकता है अगर वो प्रॉपर तरीके से वोल्टेज ट्रांसफर नहीं करता है। अंदर पे इंडक्टेंस है वो हिल गया है तो वहाँ पे भी आपको कांड हो सकता है। यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं रेगुलेटर है, अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा तब भी कांड हो सकता है। यस संकेत सर, यस सर, सर आपकी आवाज डबल डबल हो रही है और कट रही है सर। वोल्टेज और करंट में कंफ्यूजन हो रहा है। क्या हुआ? वोल्टेज और सर, फरीद सर, ख्वाजा सर, प्लीज थोड़ा म्यूट कर दीजिए, सब लोग म्यूट कर दीजिए, खाली संकेत सर थोड़ा आप बोलिए तो मुझे भी प्रॉपर सुनाई देगा। संकेत सर ओनली, यस सर, यस सर बोलिए सर, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत मुझे वोल्टेज ऐसा कुछ सुनाई दिया, मैं जस्ट थोड़ा वोल्टेज का बात कर लेता हूँ। सर सर आप थोड़ा म्यूट कर दीजिए, आपका आवाज ही नहीं आ रहा है मुझे, और डबल डबल आवाज आ रहा है। ओके, वोल्टेज एंड करंट में क्या डिफरेंट है? ऑलरेडी मैं जब हमारा चैप्टर जो हमारा आज से 3-4 दिन पहले का जो मैं सेशन किया था डेली सेशन, उसमें ये सब चीज बात किया था कि आपका क्या क्या प्रोसेस है, वो कॉन्स्टेंट वोल्टेज प्रोसेस है, कॉन्स्टेंट करंट प्रोसेस है। तो हमारे हाथ में है, हाथ में लेने वाला कौन सा टॉर्च है? तो हमारा आर्क वेल्डिंग, जो हम जो GTAW मारते हैं वो हमारा आर्क वेल्डिंग मारते हैं, जैसे कि SMAW है वो दोनों कैसा प्रोसेस है? हम उसको हाथ में हिले, हमारा टॉर्च हमारे हाथ में रहता है, और हमारा वेल्डिंग का बेस मेटल है वो, और हमारा टॉर्च का जो पहला का जो फिलर आगे का नॉच है वो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रखना वो वेल्डर के ऊपर डिपेंड है। तो वेल्डर अप एंड डाउन ऐसा करता रहेगा, ठीक है। तो कांड ये होगा कि वोल्टेज अप एंड डाउन होकर रहेगा, क्योंकि मैंने बोला ऑलरेडी कि आपका जो हर सभी फंडा सिंपल है कि आपका यहाँ पे अगर हाइट बढ़ जाएगा आपका टॉर्च का, टॉर्च अगर ऊपर रहेगा तो आपको प्रॉब्लम है, टॉर्च नजदीक रहेगा तब भी आपको प्रॉब्लम है। ओके, अगर टॉर्च नजदीक रहेगा तो आपका वोल्टेज कम होगा, टॉर्च ऊपर रहेगा तो आपका वोल्टेज ज्यादा रहेगा। तो SMAW में हम क्या करते हैं? SMAW में हम हाथ रखते हैं उस, वो थोड़ा कभी कभी वेल्डर घूमता है, हिलता है, वाइब्रेट होता है, साला कोई अगल बगल में से निकल हाथ रहता है तो हाथ लगा के जाता है, और अगल बगल में कोई आवाज करता है तो ऐसा आवाज करता है, तब भी मे बी वाइब्रेट होगा या डर जाएगा वेल्डर, तब भी अप एंड डाउन होता रहता है, तो वो फिक्स नहीं रहता है आर्क वेल्डिंग और GTAW में, समझ रहे ना मेरे भाई? तो उसमें
वो चीज जो है उसमें वोल्टेज डिफरेंट है, वोल्टेज अप एंड डाउन होता रहता है, उसी की वजह से वहां पे कांस्टेंट करंट प्रोसेस है। वो वहां पे करंट आप मशीन में एक बार फिक्स कर दिया 250 तो आपको 250 ही आएगा, एक बार मशीन में फिक्स कर दिया कि 300 तो आपका मशीन में 300 ही आएगा, आपका बिल्डिंग में 300 ही करंट आएगा। मतलब आपको फिक्स करना पड़ेगा वो बिल्डिंग मशीन में। फिर आप ऐसा सोचेंगे कि ड्यूरिंग वेल्डिंग मैं ज्यादा करंट ले लूं, 250 है तो ऑटोमेटिकली मैं 300 कर दूं, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसी की वजह से वहां पे कांस्टेंट करंट प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन मिगमैग वेल्डिंग है, हमारा FCAW वेल्डिंग है, हमारा SAW वेल्डिंग है, उसमें हम क्या करते हैं पहले से ही फिक्स कर देते हैं। हाँ, 8 mm है तो 8 mm ही रखेंगे, 10 mm है तो 10 mm ही गैप रखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसी की वजह से यहाँ पे वोल्टेज ज्यादातर चेंज नहीं होता है। लेकिन ये जो मैं कंडीशन आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, दूसरा और तीसरा कंडीशन ये है, ये इसके लिए मैं समझा रहा हूँ। कभी कभी आप कम गैप वाला सेटअप करेंगे, कभी आप बीच वाला मीडियम सेटअप करेंगे, कभी आप ऊपर वाला सेटअप करेंगे, तो उस टाइम पे कैसे कैसे वोल्टेज रहता है उसी की वजह से मैं समझा रहा हूं। बाकी ये जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस है, उसमें करंट ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन होता रहेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए वरना कांड हो सकता है। द वोल्टेज विल अफेक्ट द टाइप ऑफ ट्रांसफर अचीवेबल, बट दिस इज ऑल्सो हायर डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ गैस बीइंग यूज्ड। ओके, वोल्टेज जो है वो ऑलरेडी उसके ऊपर भी डिपेंड है, हमारा गैस किसका यूज किया है वो। इंक्रीजिंग आर्क वोल्टेज रिड्यूस द पेनेट्रेशन, इंक्रीज द विड्थ। ओके, और आपका विड्थ, यहाँ पे अगर आपका वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है, वोल्टेज लास्ट में ज्यादा है तो आपका ऊपर का जो विड्थ है वो ज्यादा रहेगा, लेकिन वो पेनेट्रेशन बहुत कम रहेगा। लेकिन आपका यहाँ पहला वाला जो दिखाया है फिगर, उसमें आप देख रहे हैं कि वोल्टेज यहाँ पे कम है। कम क्यों है? क्योंकि उसमें गैप कम है, इसका मतलब वोल्टेज कम है। वोल्टेज कम है इसका मतलब कि फोर्स कम आ रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो हीटेड है और एकदम नजदीक है। जैसे ही बिल्ड उसको ट्रैवल एयर में कम करना पड़ेगा, वो ड्रॉप जो गिर रहा है उसको, और ट्रैवल कम करने की वजह से वो मेल्ट ही रहेगा। जैसे ही बेस मेटल के ऊपर गिरेगा, वो पानी की जैसे, पानी कैसे फैलता है, अगर कोई चीज है उसके हम पानी डालते हैं, फ्लोर है उसके ऊपर हम पानी डालते हैं, तो फिर जहाँ पे वो उसका लैंडस्लाइड रहता है, जहाँ पे वो झुका हुआ अगर जमीन है या झुका हुआ फ्लोर है तो उस साइड पे बहने लगेगा, वैसे ही यहाँ पे होता है कि पानी एकदम अंदर तक जाएगा, वैसे ही बेस मेटल के अंदर हमारा वेल्ड मेटल घुसेगा अंदर जानबूझ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैसेस कौन सा यूज करना है वो भी हमारा डिपेंड है। जहाँ हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा इनर्ट गैस प्रोसेस है, उसको मिग, देखो मिग एंड मैग, मिग एंड मैग, ये सब डिफरेंट क्यों पड़ा? क्योंकि मिग में इनर्ट गैस यूज हो रहा है और मैग मतलब एक्टिव गैस यूज होना, एक्टिव गैस का ए, इनर्ट गैस का आई। ओके, इनर्ट गैस और एक्टिव गैस का फर्क क्या है? तो मैं आपको इतना फंडा बोलता हूँ, कोई भी वेल्डिंग में आप वेल्डिंग मारते हैं, वो गैस ऐसा गैस कि वेल्ड मेटल के साथ कुछ भी कांड ना करे, जैसे कि आर्गन। आर्गन अगर मैं वेल्ड मेटल के साथ वेल्डिंग मारता हूँ तो आर्गन कोई बेस मेटल का जो कोई केमिकल प्रॉपर्टी है उसके साथ रिएक्शन करने लगेगा? आर्गन ऑक्साइड थोड़ी बनाएगा, नहीं बनाएगा। आर्गन क्रोमियम, आर्गन क्रोमाइड ऐसा कोई नहीं बनाएगा। आर्गन एकदम फिक्स है, वो किसी के साथ मिलेगा नहीं, किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा, एकदम सीधा किसी को अंदर घुसने नहीं देगा, वैसा काम। ठीक है, उसी की वजह से उसको इनर्ट गैस बोलते हैं। लेकिन CO2 वो एक्टिव गैस है। ठीक है, वैसे CO2 भी एक्टिव गैस बोल सकते हैं आप। ठीक है, एक्टिव गैस में क्या कांड होता है कि एक्टिव गैस में CO2 का टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो कार्बन भी अलग हो जाता है, ऑक्सीजन भी अलग हो जाता है, फिर क्रोमियम कार्बाइड भी मे भी बना सकता है, क्रोमियम ऑक्साइड बना सकता है, या फिर क्रोमियम कार्बन है वो दूसरे किसी के साथ मार्केटिंग करके या केमिकल रिएक्शन करके कांड कर सकता है, तो उसी की वजह से उसको एक्टिव गैस बोला जाता है। ओके, अभी किस में कौन सा, फेरस मेटल में कौन सा यूज करना, नॉन फेरस मेटल में कौन सा गैस यूज करना, वो भी वेल्डिंग इंस्पेक्टर को पता होना चाहिए। अगर वेल्डिंग इंस्पेक्टर को पता नहीं है तो कांड हो सकता है, आपका इमेज खराब हो सकता है। ओके, फॉर नॉन फेरस, यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है फेरस एंड नॉन फेरस। कल किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, नहीं परसों के सेशन में शमशुद्दीन जी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि फेरस मेटल क्या है, नॉन फेरस मेटल क्या है। नॉन फेरस मतलब उसमें फेरस पार्टिकल नहीं है वैसा मेटल, जैसे कि अकेला एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में कोई भी फेरस पार्टिकल नहीं है। निकल, उसमें कोई फेरस पार्टिकल नहीं है। कॉपर, जो खाली अकेला कॉपर, तो उसमें कोई फेरस पार्टिकल नहीं है। उसका थिकनेस आप देखेंगे तो अकेला खाली कॉपर ही रहेगा। हमारा अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में पूरा कॉपर का कॉपर यूज किया रहता है, और
वो कॉपर जो है उस वो प्योर कॉपर है, ठीक है, और एल्यूमिनियम है वो खाली एल्यूमिनियम का ही वेल्डिंग जहां पे आपने देखा होगा, तो वो सब चीज अकेला नंगा, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ और कोई नहीं है, वरना हम लोग तो पूरा बोलते हैं ना कार्बन स्टील में कार्बन मोली मैंगनीज निकल फॉस्फोरस सब चीज उसमें अंदर इन्वॉल्व होते हैं, स्टेनलेस स्टील में क्रोम मोली निकल वेनेडियम कार्बन ये सब चीज भी इन्वॉल्व है, इसी की वजह से उसको फेरस बोलते हैं। और हमारा दूसरा कोई मैं एग्जांपल लूँ निकल क्रोम मोली, तो उसमें भी निकल क्रोम मोली में भी पूरा निकल है, क्रोम है, मोली है, वेनेडियम है, सल्फर है, वो सब चीज है, उसी की वजह से वो निकल क्रोम मोली में वो मटेरियल है, तो उसी की वजह से वो सब चीज नंगा नहीं है, वो नंगा जो है उसको फेरस बोलते उसको नॉन फेरस बोलते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम अकेला मेटल तो फेरस, निकल अकेला तो उसको फेरस, कॉपर अकेला तो उसको फेरस, तो वो सब चीज फेरस मेटल है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, फॉर नॉन फेरस मेटल देयर अलॉय सच एज एल्यूमिनियम निकल एंड कॉपर एज अ इनर्ट शील्डिंग गैस मस्ट बी यूज। देखो मस्ट बी यूज क्यों, क्योंकि अगर इसमें अगर हम एक्टिव गैस यूज करेंगे तो क्या कांड होगा, कांड ये होगा कि समझो इसमें हमने एल्यूमिनियम का वेल्डिंग मार रहे हैं, उसमें हमने CO2 घुसाया, ठीक है, या दूसरा कोई हाइड्रोजन या ऑक्सीजन इसको घुसाया यहाँ पे, तो क्या कांड होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, हमें तो एल्यूमिनियम का वेल्डिंग चाहिए, ऊपर से साला ये ऑक्साइड बन के पपड़ी बन के निकल जाएगा, काला बेस बना देगा, तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको इनर्ट गैस ही यूज करना है, इनर्ट गैस मतलब ऐसा गैस कि इसके साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करेगा, आर्गन भी अलग रहेगा, एल्यूमिनियम वेल्डिंग मारने के टाइम एल्यूमिनियम भी अलग रहेगा, ठीक है, हाँ प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप वहां पे CO2 आप घुसाएंगे एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड ऐसा करके बना के फिर आपका मेटल की बैंड बच सकती है, इसी की वजह से आपको ये सब चीज ध्यान रखना है। तो नॉन फेरस मेटल में इनर्ट गैस मस्ट यूज करना है, दिस यूजली आइदर प्योर आर्गन और आर्गन रिच विथ हीलियम एडिशन। ओके अभी मैं आपको ये बोलूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिव गैस है, ये एक्टिव गैस है, ये इनर्ट गैस है। आप आवर्त कोष्टक आता था, याद है आपको, जो लोग कॉलेज में किया है उसको याद होगा कि आवर्त कोष्टक में लास्ट कक्षा में या तो 0 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए या 2, फिर उसकी सेकंड कक्षा में मतलब सेकंड कक्षा में कुछ 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए या 4 ऐसा कुछ है, उसके 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके बाद की कक्षा में 16, उसके बाद 32, इसके बाद 64, इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब वो इनर्ट गैस बोला जाएगा। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास या तो 0 भी नहीं है या तो 2 भी नहीं है, इसी की वजह से वो एक्टिव गैस है। हीलियम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम के पास पूरा है, उसके पास पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास 2 का 2 है, तो वो हो गया एक्टिव गैस। तो एक्टिव गैस में कांड ये होगा, वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा, हीलियम जो है वो किसी के साथ फाइट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए या देने के लिए, हीलियम तो हीलियम ही रहेगा। लेकिन हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन भी एक गैस ही है ना, H2 ऐसा करके बनाता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की ये लास्ट कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, या तो किसी के साथ फाइट करेगा या उसी से इलेक्ट्रॉन लेगा या उसको इलेक्ट्रॉन देगा तभी वो स्थायी रह सकता है, लेकिन इसी उसी को वजह से उसको एक्टिव गैस बोलते हैं। और हीलियम को आर्गन को उसकी लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन फुलफिल जो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही है, उसी की वजह से उसको इनर्ट गैस बोलते हैं। तो आई थिंक उसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, तो ये मैं अभी जस्ट बोल दिया। ओके आगे बढ़ते हैं, द यूज ऑफ फुल इनर्ट गैस व्हाई द प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ओके उसी की वजह से अगर इसमें इनर्ट गैस अब यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम निकल CU कॉपर वो सब चीज में, जिंक क्लेट वो सब में, ठीक है, उसी की वजह से उसको मिग वेल्डिंग बोला जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि मिग वेल्डिंग किस में यूज होता है, तो आपको बोलना है नॉन फेरस मेटल में, ठीक है, और इनर्ट गैस इज द मस्ट, ठीक है, इसमें इनर्ट गैस यूज होता है, इसके लिए उसका आई बीच वाला जो आई है वो इनर्ट गैस का आई है, ठीक है। And for precise use of the terminology, name should only used when the referring the welding non-ferrous metal. Okay, blah blah blah. बहुत सारा चीज लिखा है, लेकिन हमें important topic लेना है। आगे बढ़ते हैं। The additional some helium to argon gives the more uniform heat concentration within the arc plasma, and this affects the shape of the weld bead profile. Okay. Argon and helium. Okay. पहले मैं इतना समझा देता हूँ। ये कहना क्या चाहता है? देखो, argon है। वो आर्क बराबर जनरेट करता है, ठीक है, लेकिन वो जो है आर्गन वो थोड़ा ठंडा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, सॉरी ठंडा गैस है। अभी
अगर आप उसके साथ हीलियम को मिक्स करेंगे, आर्गन एंड हीलियम का मिक्स वाला कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, आपने देखा होगा कि मिक्सचर परसेंटेज ऑफ गैस ऐसा करके जो है वो एसेंशियल वेरिएबल है, देखने जो लोग WPS PQR बनाते हैं उसको ज़्यादा आइडिया है। तो आपको अगर परसेंटेज में समझो हीलियम का 50% लिया, आर्गन का 50% लिया, दोनों का बॉटल है एक दूसरे के साथ, फिर मिक्स कर दिया एक नोजल के साथ, फिर वहां से वो नोजल में दोनों मिक्स होके आता है, तो आपकी वेल्डिंग जो है उसमें कैसा इफेक्ट पड़ेगा? तो हीट कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बहुत बढ़ेगा। थोड़ा बहुत क्यों बढ़ेगा? एक तो थोड़ा हीटिंग करने वाला था, हीलियम जो है वो हॉट है, ठीक है, थोड़ा हॉट है, तो हॉट होगा तो क्या होगा, वेल्डिंग मेटल में करंट आ रहा है, करंट ऑलरेडी हॉट है, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट इनपुट की वजह से वहाँ पे हीटिंग की वजह से मेटल वहाँ पे मेल्ट हो रहा है, और मेटल मेल्ट होने के बाद ऊपर से साला हीलियम आ रहा है, आर्गन और हीलियम आ रहा है, तो आर्गन एंड हीलियम क्या कांड करेगा, हीलियम जो है और थोड़ा उसको गर्म करेगा, क्योंकि वो हॉटर गैस है, आर्गन है वो कोल्डर गैस है, हीलियम आएगा तो और थोड़ा हॉटर करेगा, तो उसकी वजह से आपको वेल्डिंग जो है वो वेल्डिंग प्रोफाइल है एकदम अच्छा सा शेप में मिलेगा, अच्छा सा उसको फैलने देगा, जैसे ही वेल्ड मेटल गिरा बेस मेटल के ऊपर तो उसको हीलियम जो है और हॉटर की वजह से थोड़ा और उसको गर्म करेगा, तो धीरे धीरे वो प्रॉपर तरीके से प्रसरेगा, प्रॉपर तरीके से अच्छे से फिटअप होकर बेस मेटल के ऊपर गिरेगा, उसका फाइनल वेल्डिंग अच्छा आएगा। ओके, आर्गन एंड हीलियम मिक्सचर, आर्गन एंड हीलियम मिक्सचर इफेक्टिवली गिव्स अ हॉटर आर्क। देखा मैं अभी बोला वही, मुझे चलो आगे आ गया तो मुझे ज़्यादा समझाने का बात जरूरत नहीं है, क्योंकि हॉटर आर्क जनरेट करता है। सो दे आर बेनिफिशली वर्किंग इन थिकर बेस मेटल, मतलब मोटा वेल्डिंग का थिकनेस वाला प्लेट मारना है वेल्डिंग, तब भी आप यूज कर सकते हैं। दोज विथ हायर थर्मल कंडक्टिविटी एंड कॉपर एल्यूमिनियम, उसका हायर थर्मल कंडक्टिविटी एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम में, ठीक है, तो ये सब चीज़ आप याद रखिए। ये आपका लास्ट वाला जो है थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर एंड एल्यूमिनियम में थोड़ा हायर है, वो क्वेश्चन आएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, याद रखिए आप। इसमें से आपको जिस लोगों को, जो लोग है उसको बेसिक चैप्टर नंबर 3 पता है, जो लोगों को बेसिक चैप्टर नंबर हमारा वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील पता है, जिन लोगों को मिगमैक वेल्डिंग पता है, तो सबसे ज़्यादा इसी में से क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्लीज़ इसको रिफ़र करिए अच्छे से, शानदार तरीके से, एकदम लाइन बाय लाइन। कुछ भी डाउट है कभी भी कॉल करिए, मैं डेफिनेटली मैं श्योर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करे ट्राई करेगा। ओके, 100% CO2 कैसा गैस है? चलो हमारा देख रहेगा आपने FCAW में कभी कभी CO2 हमने यूज़ करते हैं, मोस्टली FCAW में CO2 यूज होता है, लेकिन CO2 यूज़ करने से फ़ायदा क्या है? तो फायदा भी है, उसका प्रॉब्लम भी है। ओके, फायदा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बात करते हैं। CO2 गैस कैन नॉट ससेप्टेबल स्प्रे ट्रांसफर इन आयोनाइजिंग, द पोटेंशियल ऑफ द गैस इज टू हाई। देखो मैं आपको बोला आयोनाइजिंग पोटेंशियल, मतलब CO2 कभी कभी क्या है आयोनाइज हो जाता है हमारा बेस मेटल के साथ, थोड़ा बहुत मिल जाता है, थोड़ा बहुत कांड कर सकता है, क्योंकि CO2 का अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो कार्बन भी अलग, ऑक्सीजन भी अलग, कौन CO2 क्या पता है, ऐसा करके फिर कार्बन भी अलग रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन भी अलग रिएक्शन करेगा, तो मे बी उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज ऑफ दिस, यही रीजन की वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल गिव अ वेरी गुड पेनेट्रेशन। ओके, अभी मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि आयोनाइजेशन मतलब अगल बगल का एटमोस्फेरिक को अंदर घुसने नहीं देना, अगर अगल बगल का एटमोस्फेरिक अंदर घुसने नहीं देता है, और CO2 हीलियम से भी ज़्यादा हॉटर गैस है, हीलियम से भी ज़्यादा हॉटर गैस होने की वजह से अगर आप 100% CO2 यूज़ करते हैं, तो कांड क्या होगा, कांड ये होगा कि आपका वेल्ड मेटल ऑलरेडी गर्म है, आपका वेल्ड स्पूल गर्म है, वेल्ड का जो नीचे से ड्रॉप गिरने वाला है हमारा फिलर में से, वो ऑलरेडी हॉटर है, मेल्ट हो चुका है, और ऊपर से CO2, तो आबेल मुझे मार ऐसा जो हम बोलते हैं ना, कि वैसा ही यहाँ पे कंडीशन जनरेट हो जाएगा और हॉटर करेगा, CO2 अगर आएगा तो और हॉटर करेगा, तो जैसे ही बेस मेटल में गिरेगा वो ड्रॉप, तो वो ड्रॉप अभी भी उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ऊपर से CO2 है, तो CO2 उसको ठंडा होने ही नहीं देगा, तो क्या करेगा वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से, हम लोग जो जस्ट बोलते हैं कि उसका पेनेट्रेशन एकदम डेप्थ तक घुसेगा, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। बट प्रमोट द ग्लोबुलर ड्रॉपलेट, ओके, ग्लोबुलर ड्रॉपलेट में बहुत अच्छी बात है, और ट्रांसफर ऑल्सो वेरी अनस्टेबल आर्क एंड लॉट्स ऑफ स्पैटर। तो ग्लोबुलर ट्रांसफर में CO2 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा अच्छा बात है CO2 में, लेकिन ये CO2 यूज करते हैं तो कांड ये होता है कि आपका स्पैटर बढ़ जाता है। क्यों स्पैटर बढ़ता है, वो ऑलरेडी पहले से हीट है, ठीक है, ऑलरेडी हॉटर गैस है, जैसे ही ऊपर से नीचे ड्रॉप गिरेगा वेल्ड मेटल के अंदर,
तो वो गैस जो है वो भी उसको साथ ट्रैवल करेगा, उसके साथ ट्रैवल करेगा ना गैस, भले ही थोड़ा ही डिस्टेंस है, 2 से 3 mm या 8 mm ही डिस्टेंस है, लेकिन ट्रैवल तो मेरे भाई दोनों करने वाले हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि खाली अकेला ट्रैवल करेगा, सीओ टू वैक्यूम की वजह से रुक जाएगा, ऐसा तो है नहीं। सीओ टू उसके साथ ट्रैवल करेगा, सीओ टू जैसे ही ट्रैवल करेगा उसको थोड़ा और हॉट करेगा, हॉट करने की वजह से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म जनरेट हो जाएगा और उसी वजह से हमारा बेस मेटल जो नीचे गिर रहा है उसको फाड़ेगा, उसको तोड़ेगा। उसको तोड़ने के बाद बहुत सारे ड्रॉप क्रिएट होंगे और वो जो ड्रॉप है वो स्पैटर जनरेट करते हैं। तो यही एक मसला है, आपको ये चीज याद रखना है। ओके, 15% हाइड्रो आर्गन, आर्गन प्लस 15 से 20% CO2, तो वो भी एक बहुत सारा इफेक्ट आपको अच्छा सा जनरेट कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट यहाँ पे लिखा है कि कब CO2 यूज करना चाहिए। डीप ट्रांसफर में आपको CO2 यूज करना चाहिए, स्प्रे ट्रांसफर में आपको आर्गन प्लस CO2 मिक्सचर यूज करना, डीप ट्रांसफर में भी यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा आइडिया आएगा। ओके, मेटल थिकनेस कितना है और आपको कितना कितना मिक्सअप लेना चाहिए उसके बारे में बात है। मिक्सचर देखो, आर्गन फुल लेना है और थोड़ा बहुत उसमें 2 to 5% आपको CO2 मिक्स करना है। अगर आपका थिकनेस जो है मटेरियल का 1 mm है, 2 mm है, 3 mm है, 4 mm है, उसके हिसाब से आपको कितना परसेंटेज CO2 को इन्वॉल्व करना है वो डिपेंड ऑन यू, तो आपको ये सब चीज़ डिसाइड करना है। डीप ट्रांसफर में क्या होता है, आर्गन एंड CO2 मिक्सचर होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। स्प्रे ट्रांसफर है, उसमें भी आर्गन एंड CO2 मिक्सचर है, लेकिन स्प्रे ट्रांसफर जनरली 1 से 3 mm थिकनेस में यूज नहीं करते हैं, उसके बाद में हम लोग उसमें मिक्सचर यूज करते हैं। पल्स ट्रांसफर भी हमारा आर्गन एंड CO2 यूज कर सकते हैं। ओके, मैं आशा करता हूँ ये सब चीज़ आपको समझ में आया होगा। और आगे का हम थोड़ा बहुत बात करते हैं स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में आपको हीलियम यूज करना पड़ता है। स्टेनलेस स्टील में आपको पता है सबको कि स्टेनलेस स्टील में सेंसिटाइजेशन ना हो, स्टेनलेस स्टील में हमारा ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस ना हो, उसी की वजह से हम लोगों को CO2 यहाँ पे यूज कम करते हैं। इसी की वजह से यहाँ पे लिखा है, देखो CO2 2 to 5% ओनली, और हम जनरली जो स्टेनलेस स्टील है उसमें आर्गन एंड हीलियम ज़्यादा यूज करते हैं। हीलियम भी बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन आर्गन हम जनरली ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, उसके बाद में लाइट अलॉय जैसे कि एल्यूमिनियम, मैंगनीज़, टिटेनियम, कॉपर, निकल, उसमें तो मिग ऑलरेडी यूज होता ही है। मिग मतलब इनर्ट गैस, वो जो है वो सब इनर्ट गैस इज यूज इन लाइट अलॉय, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले भी बोला था आपको इनर्ट गैस यूज होता है, और इनर्ट गैस यूज करना क्यों जरूरी है वो भी मैं समझाया था आपको कि सेंसिटिव ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ना हो, वही सब चीज लिखा है। तो मैं आशा करता हूँ ये सब चीज आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम ये पूरा गैस का ही सब फंडा है, तो इसमें किसी को क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत बोल दीजिए, उसके बाद में हम ट्रैवल स्पीड यानी इलेक्ट्रोड ओरिएंटेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, शमशुद्दीन क्वेश्चन है तो बोल दीजिए, तो ताकि हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे, वरना फिर ये इसके बाद हम आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यस सर, बोलिए। हेलो, यस सर, मंडल सर, वो ट्रांसपोर्ट का थोड़ा बताइएगा सर, डिफरेंशिएशन आएगा सर, आगे आएगा, आगे पूरा आएगा, ट्रांसफर, डीप ट्रांसफर, पल्स ट्रांसफर सब आने वाला है। मैं थोड़ा बहुत आपको हाईलाइट कर देता हूँ, मतलब लेकिन आज नहीं आएगा, आई थिंक कल आएगा, क्योंकि आज का सेशन देखो, टाइप ऑफ ट्रांसफर, इसमें डीप ट्रांसफर, ट्रेल ट्रांसफर, ग्लोबुलर ट्रांसफर, ये सब चीज़ आने वाला है, लेकिन मैं सर समझाएगा, कल हमारा डेली सेशन है उसमें कल लेंगे, लेकिन आज का बहुत टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन यही चैप्टर है। मैं ट्रांसफर एकदम डेप्थ में जाने वाला हूँ, मुझे पता है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारा क्वेश्चन ट्रांसफर मोड के ऊपर होता है। इंटरव्यू का मैं WPS भी बताएगा, इंटरव्यू में कैसे कैसे आपको फंसाया जाता है वो ट्रांसफर मोड में, तो वो भी मैं डिस्कस करेगा। ओके, यस सर, और किसी को सर? हेलो यस, GMAW को US में आप मिग वेल्डिंग एंड मैग वेल्डिंग दो पार्ट कर दिया है। मिग वेल्डिंग मतलब ऐसा वेल्डिंग कि इनर्ट गैस यूज में यूज होता है, इसके लिए उसको मिग बोला जाता है। एक्टिव गैस यूज होता है तो उसके लिए मैग वेल्डिंग बोला जाता है। मिग वेल्डिंग जो है वो नॉन फेरस मेटल में यूज जनरली ज़्यादा होता है, और हमारा दूसरा जो है मैग वेल्डिंग है वो हमारा फेरस मेटल में ज़्यादा यूज होता है। तब आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि साला फेरस मेटल में यूज होता है, कार्बन स्टील का हम वेल्डिंग मार रहे हैं, उसमें तो इनर्ट गैस के लिए आप इनर्ट गैस यूज कर रहे हैं, टिग वेल्डिंग यूज कर रहे हैं, एक्चुअली तो वो फेरस मेटल है,
फेरस मेटल में तो मैग मेल्डिंग यूज होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आर्गन को एक कॉन्स्टेंट आप समझो, उसके अलावा, ठीक है, आर्गन तो होता ही है, उसके अलावा आप दूसरा भी मिक्सअप साथ में यूज कर सकते हो, ऐसा आप समझो तो आपको थोड़ा याद रहेगा, वरना थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ओके सर, ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं। यस सर, शशि सर, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, उसमें ज्यादातर गैस यूज होता है, उसमें आपको ज्यादा, उसका नाम ही ऐसा है, उसमें हम क्या बोलेंगे, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। और मिग में मैं आपको बोल सकता हूँ कि दो पार्ट है, कि एक का मिग है वो उसके लिए मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन उसका नाम है ऐसा, ठीक है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग क्या क्यों पड़ा है ये सब हमें पता नहीं है, लेकिन शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, उसके ऊपर शील्डिंग होता है, उसकी वजह से उसके नाम से ऊपर से हमारा ये आ गया, शील्डिंग बोलने लगे कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसके लिए SMAW। और फिर हम बात करते हैं GTAW, तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, उसमें टंगस्टन यूज होता है, और हमारा ये इसी की वजह से उसको टिक भी बोलते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो वैसा उसका GTAW का नाम है। GMAW जो है वो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, उसके वजह उसमें गैस ज्यादा यूज होता है, उसके लिए उसको गैस मेटल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, वो नाम है ये, उसमें कोई नया कोई साइंस नहीं है, खाली उसके हिसाब से नाम रखा, कोई अगर आपने इनोवेशन किया होता तो आपके नाम से रख देते हम, ठीक है। मतलब ये एक जस्ट जोक है, ऐसा कोई आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है सर, सिंपल नाम है उसका। यस सर, यस शशि सर, सर सर मुझे समझ में नहीं आया सर, शशि सर, ओके क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच। ओके चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ट्रैवल स्पीड एंड इलेक्ट्रोड ओरिएंटेशन। ट्रैवल स्पीड एंड इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेशन क्यों करना जरूरी है, ट्रैवल स्पीड अगर ज़्यादा है तब क्या कांड हो सकता है, ट्रैवल स्पीड कम है तब भी क्या कांड हो सकता है, वो सब चीज़ आपको समझना जरूरी है। अगर आपका ट्रैवल स्पीड स्लो है, स्लो ट्रैवल स्पीड होगा, तो आपको पूरा जितना भी मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी है आपको एक ही फंडा याद रखना है, हाई हीट इनपुट लो टफनेस, लो हीट इनपुट हाई हार्डनेस। ओके, वो कैसे, मैं आपको थोड़ा बहुत बोल देता हूँ कि आपका हीट इनपुट इज इक्वल टू करंट इंटू ट्रैवल, करंट इंटू वोल्टेज अपॉन ट्रैवल स्पीड। अगर आपका ट्रैवल स्पीड लो है, ट्रैवल स्पीड लो होगा तो नीचे वाला लो है, तो उसी की वजह से पूरा मैटर फंडा जो है वो ज़्यादा आएगा, मतलब हीट इनपुट ज़्यादा होगा। हीट इनपुट ज़्यादा है तो आप धीरे धीरे वेल्डिंग मार रहे हैं, ट्रैवल स्पीड आपका स्लो है, ट्रैवल स्पीड स्लो होने की वजह से धीरे धीरे आप वेल्डिंग मार रहे हैं, वीविंग भी थोड़ा थोड़ा कर रखे जा रहे हैं, तो आपका जो हीट प्रोड्यूस होगा कोई एक ही प्लेस पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, वन प्लेस पे आपका हीट ज़्यादा जनरेट होगा। अगर हीट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लिक्विड फॉर्म ज़्यादा जनरेट होगा, लिक्विड फॉर्म वहाँ पे ज़्यादा जनरेट होगा, तो वो लिक्विड का फॉर्म जो है वो एकदम डेप्थ तक, हमारा ग्रूव जो है उसके डेप्थ तक पेनेट्रेशन ज़्यादा करेगा, क्योंकि लिक्विड जो है वो नीचे जाने का कोशिश करेगा ना गुरुत्वाकर्षण की वजह से, तो वो धीरे धीरे नीचे उतरेगा, भले ही स्मॉल स्मॉल वे से उतरेगा, हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे देखने के लिए, अगर थोड़ा बहुत दिख भी जाएगा तब भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिक्विड फॉर्म है वो ऑल टाइम, अगर पानी को मैं जमीन के ऊपर डालूं तो जमीन के अंदर ही जाएगा ना, कोई हवा में थोड़ी उड़ेगा। तो यही भी सेम फंडा है, अगर कोई जमीन है या कोई बेस मेटल है उसके ऊपर हम वेल्डिंग मारते हैं तो ऑल टाइम नीचे ही खुचेगा, ठीक। ओके, अभी हम उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। द पर्पज ऑफ द शील्डिंग गैस नोजल इज टू प्रोड्यूस द लेमिनार गैस फ्लो। देखो लेमिनार गैस फ्लो, अभी हमारा अगर गैस फ्लो ज्यादा हो जाता है तो गैस फ्लो का टर्बुलेंट बन जाता है, मैं आपको GTAW में समझाया था, टर्बुलेंट होने की वजह से कांड ये होता है, आपका ऊपर से जो गैस आता है वो गैस आपकी मेटल के अंदर, जो आपका गैस राउंड जैसे होता है उसके अंदर घुस जाता है, फिर मेटल के अंदर ट्रैवल करता है, मेटल के अंदर ट्रैवल करने के बाद वो गैस पोरोसिटी, पिन होल या फिर क्लस्टर पोरोसिटी ऐसा करके जनरेट करता है। लेकिन आपका गैस फ्लो जो है वो लेमिनार होना चाहिए। लेमिनार मतलब क्या है, बहुत सारे हमने फ्लूइड मैकेनिक, जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग बी मैकेनिकल किया है उसको पता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में चार टाइप के फ्लो थे, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और रोहाल्ड फ्लो, ऐसा कुछ करके कुछ चार फ्लो था, आई डोंट नो बट मुझे याद है क्योंकि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स किया था उस टाइम पे चार फ्लो आते थे, उसमें सबसे कचरा फ्लो है वो हमारा
टर्बुलेंट फ्लो, एकदम कचरा फ्लो, जो साला ये जहां पे भी प्रोड्यूस होता है, कहां भी इरोड कोरोड के कांड करता है और साला वहां पे पाइप को फाड़ता है या फिर मेटल को इरोड कोरोड करता है, वहां पे मेटल का थिकनेस कम करता है, वो सब चीज करता है। लेकिन लेमिनार फ्लो मतलब एकदम सीधा पाइप के अंदर से पानी निकलता है वैसे ही, कैसा सीधा एकदम जाता है वैसा एक फ्लो, तो उसको बोलते हैं लेमिनार फ्लो। तो एकदम सीधा फ्लो जाता है वैसा आपको फ्लो हो रहना चाहिए एंड प्रोटेक्ट द वेल्ड पूल, इसी की वजह से वेल्ड पूल को प्रोटेक्ट करता है, एटमोस्फेरिक कंटामिनेशन से भी बचाता है। ओके, नोजल साइज रेंज 13 से 22 एमएम का डायमीटर का होना चाहिए। अगर 13 से 22 का छोटा साइज है तब भी कांड हो सकता है और बड़ा है तब भी कांड हो सकता है। बड़ा है तो टर्बुलेंट फ्लो जनरेट हो सकता है और छोटा है तो आपका प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वहां पे हीट इनपुट प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं होगा, प्रेशर इनसाइड से ज्यादा होने की वजह से एकदम सदन से बाहर निकल जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। इसके लिए आपको कप का जो साइज है वो भी आपको 13 से 22 एमएम एज पर यहाँ पे लिखा है वैसा रहना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा उस टाइम पे मैं बोलेगा कि क्वेश्चन लिख लो या रट्टा मार लो ऐसा, तो यहां पे ये नहीं आएगा, मैं आपको बोलेगा द नोजल डायमीटर शुड बी इंक्रीज, मतलब नोजल का डायमीटर अगर इंक्रीज होता है इन रिलेशन साइज ऑफ द वेल स्पून, मतलब अगर आपको नोजल का डायमीटर बढ़ाना है तो तब कब बढ़ा सकते हैं कि आपका वेल्ड पूल है, आप वीविंग ज्यादा कर रहे हैं उस टाइम पे नोजल का साइज बड़ा रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीविंग कम कर रहे हो तो फिर उस टाइम पे कम आपका नोजल का साइज रहना चाहिए। वो आपको डिसाइड करना है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर आपको डिसाइड करना है। कभी कभी वेल्डर आपके पास आएगा, आपको बोलेगा सर मेरा का ये प्रॉब्लम आ रहा है, ज्यादा गैस पोरोसिटी आ रहा है, तब हम क्या करें, तो आपको पहले ये पूछना है आप प्रॉपर तरीके से गैस चेक किया, गैस चेक करने के बाद तुम्हारा जो नोजल है वो बराबर टाइट किया, नोजल का साइज कौन सा रखा, WPS में कितना रखा है, तुमने कितना रखा, वो सब चीज पूछो, उसके बाद आप रूट कॉज को एक डिसीजन पे आओ कि क्या एक्शन लेना है। देयरफॉर लार्ज डायमीटर नोजल आर यूज्ड इन हाई करंट, तो आपका अगर करंट हाई है उस टाइम पे आप लार्ज डायमीटर का नोजल साइज यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपका करंट आया तो हीट इनपुट ज्यादा है, हीट इनपुट ज्यादा है तो आपको फ्लो ज्यादा होगा, फ्लो ज्यादा होगा तो आप वीविंग ज्यादा करेंगे, वीविंग ज्यादा करेंगे तो उसी की वजह से आपको अगर करंट ज्यादा है तो आपका डायमीटर ऑफ नोजल का बड़ा लेना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको पता चल जाएगा, ये सब चीज एक एक्सपीरियंस का बात है, आपको ऐसा पता चल जाएगा कि हाँ मेरा अभी करंट इसमें ज्यादा लेना है, थिकनेस प्लेट का ज्यादा है, इसके लिए मैं थोड़ा बड़ा ही नोजल पहले से यूज करूँ, समझ रहे हैं ना, तो आप फंसेंगे नहीं, वरना आप फंसेंगे किधर ना किधर। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आज का सेशन थोड़ा टफ सेशन है, सीस्वीप का तो टफ है, सीस्वीप का दूसरे नंबर का टफ सेशन है। ठीक है, पहले नंबर का जो मटेरियल साइंस एंड वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील ऐसा करके है, उसके बाद ये टफ सेशन है आज का, कल मैंने जो करवाया थोड़ा इजी था। ओके, स्प्रे ट्रांसफर एप्लीकेशन में भी आप यूज कर सकते हैं स्मॉलर डायमीटर नोजल एंड डीप ट्रांसफर में। ओके, आप अगर स्प्रे ट्रांसफर में यहाँ पे लिखा है कि लार्ज डायमीटर साइज का आप यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि स्प्रे ट्रांसफर में हीट इनपुट ज्यादा होता है, हीट इनपुट ज्यादा उसका मतलब ये हुआ कि करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा है उसी की वजह से आप स्प्रे ट्रांसफर में बड़ा सा यूज कर सकते हैं। शमशुद्दीन सर थोड़ा म्यूट कर दीजिए प्लीज सर। शमशुद्दीन सर म्यूट कर दीजिए। ओके, हो गया हो गया। ओके, तो अभी स्प्रे ट्रांसफर जो है आप थोड़ा माइंड में याद रखिए, स्प्रे ट्रांसफर में हाई हीट इनपुट होता है, हाई हीट इनपुट की वजह से उसमें करंट ज्यादा होता है, करंट ज्यादा होता है उसी की वजह से उसका जो नोजल का डायमीटर साइज वो भी बड़ा रखना पड़ता है। लेकिन हमारा डीप ट्रांसफर है उसमें स्मॉल डायमीटर रखना पड़ता है, क्योंकि उस स्मॉल डायमीटर रखने का रीजन ये है कि उसमें हीट इनपुट कम है डीप ट्रांसफर में, और डीप ट्रांसफर में लेक ऑफ फ्यूजन आने का चांस सबसे ज्यादा है। अगर हीट इनपुट कम है तो इसका मतलब यह हुआ कि लेक ऑफ फ्यूजन भी आने का चांस ज्यादा है। द फ्लो रेट मस्ट ऑल्सो बी टर्न्ड द नोजल डायमीटर शील्डिंग गैस टाइप एंड गिव द सफिशिएंट वेल्ड पूल कवरेज। तो द फ्लो रेट मस्ट ऑल्सो ट्यून्ड टू द नोजल डायमीटर ऑफ द शील्डिंग गैस टाइप एंड गिव द सफिशिएंट वेल्ड पूल कवरेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक ट्यूनिंग के साथ चलना पड़ेगा। नहीं बोलते हैं हस्बैंड एंड वाइफ है, वो दोनों एक दूसरे के ट्यूनिंग के साथ चलेंगे तभी लाइफ का चक्कर बराबर आगे बढ़ेगा। अगर वो दोनों में झगड़ा होता रहेगा तो कांड हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे मसला है कि नोजल जो है
नोजल का साइज है वो और आपका जो फ्लो है वो एक दूसरे के ट्यूनिंग जो मिला के चलना चाहिए। अगर आपका फ्लो ज्यादा है तो आपका नोजल का डायमीटर बड़ा रखना पड़ेगा, फ्लो कम है तो नोजल का डायमीटर का छोटा रखना पड़ेगा। तो मतलब एक दूसरे के ट्यूनिंग के साथ मिलेंगे तभी जाके प्रॉपर तरीके से वेल्ड स्पूल जो है वो कवरेज सुफिशियंट होगा। अगर गैस शील्डिंग गैस का सुफिशियंट कवरेज नहीं होगा प्रॉपर तो आपका बाहर का एटमोस्फेरिक आपके वेल्ड मेटल में इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इसी की वजह से लिखा है फ्लो रेट मस्ट ऑल्सो ट्यून्ड विथ नोजल डायमीटर। तो उसी का मतलब यही है कि एक दूसरे को ट्यून के साथ रहना पड़ेगा, जैसा फ्लो है वैसे आपको डायमीटर ऑफ नोजल सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि शील्डिंग गैस का जो प्रॉपर तरीके से सुफिशियंट जो हमारा वेल्ड स्पूल है उसको कवरेज कर सके। कवरेज का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कवरेज नहीं करेंगे तो आपके साथ कांड ये होगा, बाहर का एटमोस्फेरिक अंदर घुसेगा। ओके, गैस नोजल फॉर अ डीप ट्रांसफर वेल्डिंग टेंड्स टू बी टेपर्ड इन आउटलेट ऑफ द नोजल। अगर डीप ट्रांसफर का वेल्डिंग है तब हमारा नोजल है आगे से थोड़ा टेपर रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे थोड़ा टेपर है, सीधा सीधा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा टेपर है, उसका रीजन यही है कि टेपर रहेगा तो थोड़ा फोर्स आगे आके थोड़ा बढ़ेगा, आगे आगे आपको प्रॉपर तरीके से स्पूल जो है उसका मोल्टेन मेटल प्रॉपर तरीके से जनरेट होगा। ओके, जॉइंट एक्सेस एंड टाइप ऑल्सो कंसिडर्ड। ओके, जॉइंट एक्सेस, आपका जॉइंट का एक्सेस कैसा है, आपका 2G पोजिशन वाला है, 1G पोजिशन वाला है, 5G पोजिशन वाला है, 6G पोजिशन वाला है, जॉइंट का एक्सेस कैसा है उसी के हिसाब से। एंड जॉइंट एक्सेस एंड टाइप शुड ऑल्सो कंसिडर वेन द सिलेक्टिंग द रिक्वायर्ड गैस नोजल इन फ्लो रेट। अगर आप ओवरहेड पोजिशन में वेल्डिंग मार रहे हैं तो आपको बड़ा नोजल लेना पड़ेगा, आप फ्लोर फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग मार रहे तो छोटा नोजल भी या मीडियम साइज का नोजल भी चल जाएगा। तो यहाँ पे आपका पोजीशन कौन सा है, जॉइंट का साइज कैसा है, जॉइंट का आपका डिजाइन कैसा है, उसके हिसाब से भी आपको नोजल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, यूज ऑफ टू स्मॉल नोजल में कोज, अगर आप स्मॉल नोजल यूज करेंगे तो क्या होगा, बिकम ऑब्स्टेकल बाय स्पैटर इन मोर क्विकली। देखो, आप अगर छोटा नोजल यूज करेंगे तो छोटा नोजल यूज करने से आपका स्पैटर फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि छोटा नोजल यूज करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि मोल्टेन मेटल ट्रैवल जो करेगा वो थोड़ा नोजल से बाहर से ट्रैवल ज्यादा करेगा, और ज्यादा करने से बाहर का एटमोस्फेयर को उसको ज्यादा इफेक्ट करेगा, और ऊपर से गैस आ रहा है वो ऑलरेडी हीटिंग वाला है ही, तो वो मेटल जैसे ही नीचे गिरेगा ट्रैवल ज्यादा करना पड़ेगा तो उसको फाड़ देगा। वो जो मेटल मोल्टेन मेटल नीचे ड्रॉप हो रहा है, नीचे जो गिर रहा है, वो जो मेल्ट होके गिर रहा है उसको वो जो ऊपर का गैस जो है वो फाड़ेगा, फाड़ने के बाद वहां पे स्पैटर जनरेट हो जाएंगे, तोड़ डालेगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है, तो यही आपको ध्यान रखना है। इफ द वायर बेंड्स टू लीव द कॉन्टेक्ट ट्यूब एंड शील्डिंग एनवेलोप एंड लोकेशन इज नॉट कोइंसाइड। ओके, वो ब्ला 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 बहुत सारा चीज लिखा है, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट है वही आपको करवा रहा हूँ। टाइप ऑफ मेटल ट्रांसफर, तो जनरली यहाँ पे चार टाइप के मेटल ट्रांसफर है, डीप ट्रांसफर, स्प्रे ट्रांसफर, ग्लोबुलर ट्रांसफर एंड ड्रॉप, यहाँ पे दूसरा आएगा पल्स ट्रांसफर, ठीक है। तो इतने टाइप का ट्रांसफर है, उसमें आप याद रखिए यहाँ पे ये जो दिखाया है ये वोल्टेज है, ठीक है, ऊपर जो जा रहा है ना वो वोल्टेज है, तो डीप ट्रांसफर में वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है, आप इतना याद रखिए, क्योंकि डीप ट्रांसफर एकदम ऊपर में है तो वोल्टेज ज्यादा है, और यहाँ पे करंट ज्यादा है स्प्रे ट्रांसफर में। देख रहे हैं यहाँ पे स्प्रे ट्रांसफर में वोल्टेज भी ज्यादा है, करंट भी ज्यादा है, इसका मतलब हीट इनपुट उसमें ज्यादा है, क्योंकि करंट इंटू वोल्टेज अपॉन ट्रैवल स्पीड, हीट इनपुट इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज अपॉन ट्रैवल स्पीड। अगर करंट भी ज्यादा वोल्टेज भी ज्यादा स्प्रे ट्रांसफर में तो हीट इनपुट ऑटोमेटिकली स्प्रे ट्रांसफर में ज्यादा होगा। ओके, ट्रांजिशन रेंज एंड ग्लोबुलर ट्रांसफर, वो सब चीज धीरे धीरे आएगा तो मैं करवाएगा अभी। डीप ट्रांसफर, देखो अभी थोड़ा टफ सेशन स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा आप माइंड को ठिकाने रख के करिएगा। यहाँ पे खाली डीप ट्रांसफर में से दो क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद जितने भी ट्रांसफर है उसमें से किसी में से तीन, किसी में से दो, किसी में से तीन, ऐसा क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन भी आएंगे तो भी मैं बोलता जाएगा, लेकिन आप भी थोड़ा ध्यान रखिए कि क्या क्या डीप ट्रांसफर में होता है। मेटल ट्रांसफर बाय वायर ड्रॉपिंग, वायर डीपिंग, डीपिंग का मतलब वो जो डीप होता है ना, डीप हमारा नोजल रहता है, जो हम फार्मर जो लोग हैं, फार्मर को ज्यादा पता है, वो डीप
डिप सिस्टम अरेंज करते हैं हम। डिप सिस्टम मतलब ड्रॉप, एक ड्रॉप गिरेगा, फिर दूसरा पानी का ड्रॉप गिरेगा, तीसरा ड्रॉप गिरेगा, चौथा ड्रॉप गिरेगा, तो उसी की वजह से इसको डिप ट्रांसफर बोला जाता है। ठीक है, डिपिंग 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 ऐसा करके होता है, ड्रॉप गिरता है फिर मेल्ट होता है, आगे का ड्रॉप गिरता है फिर मेल्ट होकर फिर आगे मेल्ट ड्रॉप गिरता है ऐसा। तो मेटल ट्रांसफर बाय वायर डिपिंग और शॉर्ट सर्किट इन टू द वेल्स पुल। शॉर्ट सर्किट इन टू द वेल्स पुल का मतलब आपका जो वायर, आपका जो है आपका फिलर जो है वो आपका बेस मेटल के साथ एकदम नजदीक रहेगा, 2 mm गैप में रहेगा या जनरली, और गैप में 2 mm की वजह से एकदम शॉर्ट सर्किट जनरेट होगा। हम लोग SMAW में क्या करते थे, SMAW में 2 to 8 mm का गैप रखते थे, SAW वेल्डिंग है तो उसमें 5 to 15 mm का गैप रखते थे दोनों के बीच में, GTAW है तो उसमें 2 to 8 mm का गैप रखते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टच हो जाएगा तो उसी की वजह से उसको शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर भी आप बोल सकते हैं। ओके, डीप ट्रांसफर में रिलेटिवली लो हीट इनपुट जनरेट होगा। लो हीट इनपुट इसके लिए जनरेट होगा क्योंकि यहां पे मैं आपको दिखाया कि यहां पे वोल्टेज जो है ये भले ही एकदम हाई है लेकिन करंट बहुत लो है, करंट लो है, उसी की वजह से हीट इनपुट आपका लो जनरेट होगा। हीट इनपुट लो जनरेट होगा तो आपका यहां पे दिखा है, यही सब चीज लिखा है। ठीक है, लो हीट इनपुट प्रोसेस, लो वेल्स पुल फ्लूडिडिटी, मतलब फ्लूडिटी, फ्लूडिटी का मतलब क्या हुआ, स्पूल फ्लूडिटी, वेल्स पुल फ्लूडिटी, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मेटल है, बेस मेटल है वो नीचे है, ऊपर से फिलर आपने घुसाया है तो वो जो फिलर है वो मेल्ट होके बेस मेटल के अंदर गिरना तो चाहिए ना, लेकिन वो धीरे 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 गिरेगा, और गिरने के बाद भी चलो फास्ट भी गिरा या स्लो भी गिरा, लेकिन गिरने के बाद जहां पे गिरेगा वहां पे ही बैठ जाएगा, फिर वो फैलेगा नहीं, थोड़ा पानी जैसा फैलता है ना, हम जो ग्लास है मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूँ, अभी आज दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो चलो पानी का ही ले, मेरे पास अभी कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है, अभी मैं जल्दी बोलता हूँ कि चलो पानी का एक ग्लास है या पानी का बाल्टी है, उसको आप फ्लोर पे डालेंगे तो कैसे एकदम फ्लूडिटी मस्त से अच्छे से फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पे वेल्स पुल का ऐसा फ्लो नहीं होगा, जैसे ही जहां पे गिरेगा वहां पे वो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी की वजह से लिखा है लो वेल्स पुल फ्लूडिटी। ओके, यूज फॉर थिन शीट मेटल अबव 0.8 mm एंड टिपिकली लेस देन 3.2 mm, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आपका 0.mm से 0.8 mm से अबव थिकनेस में और 3.2 से बिलो थिकनेस में आप जनरली ये डिप ट्रांसफर को यूज कर सकते हैं। ओके, पोजिशनल वेल्डिंग थिकर सेक्शन एंड रूट रन इज ओपन बट वेल, रूट रन अगर ओपन बट वेल का है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस स्टेबिलिटी एंड स्पैटर कैन बी प्रॉब्लम इन पुअरली टर्नड, मतलब आपका स्पैटर सबसे ज्यादा आने का चांस है, यहाँ पे स्पैटर आपका ज्यादा आने से आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सीजर लेके बैठना पड़ेगा एक वेल्डर को, निकालता रहे निकाल, जो लोग FCAW देखा है इसने उसको ज्यादा पता है कि स्पैटर कैसे आता है, बहुत सारा स्पैटर आता है FCAW को, तो हम स्पैटर निकालते निकालते थक जाते हैं लिटरली, इतना स्पैटर आता है, भले ही वो सीजर से निकल जाता है लेकिन बहुत निकालना पड़ता है। ओके, लेक ऑफ फ्यूजन रिस्क इफ प्रॉपरली सेटअप एंड अप्लाइड, अगर प्रॉपरली सेटअप प्रॉपर नहीं किया आपका वेल्डिंग में तो आपको लेक ऑफ फ्यूजन आने का चांस सबसे ज्यादा है। नॉट यूज फॉर नॉन फेरस मेटल अलॉय, मतलब एल्यूमिनियम में यूज नहीं कर सकते आप डीप ट्रांसफर, ठीक है, कॉपर में आप यूज नहीं कर सकते हैं, जिंक में आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉन फेरस मेटल है उसमें आप डीप ट्रांसफर यूज नहीं कर सकते हैं, सिंपल फंडा है, आपको एक 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 पॉइंट याद रखना है, बहुत सारे आपका क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ओके, इन डीप ट्रांसफर द वायर शॉर्ट सर्किट एंड आर्क बिटवीन 250 to 200 टाइम्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर आपका जो शॉर्ट सर्किट जो होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 50 से 200 के बीच में चला जाएगा, ऊपर नीचे अप एंड डाउन ऐसा करके। ठीक है, आपका एकदम सिंपल है ये फंडा भी, आपको याद रखना है 50 से 200 टाइम्स पर सेकंड, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन जस्ट आपका 900 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के टाइम पे ये आपको याद रखना पड़ेगा। डीप ट्रांसफर द वायर शॉर्ट सर्किट आर्क वेल्डिंग आर्क बिटवीन 50 से 200 टाइम्स पर सेकंड, इतने टाइम में आर्क जनरेट होगा बंद होगा, जनरेट होगा बंद होगा, जनरेट होगा बंद होगा, इतने टाइम में, एक सेकंड के
एक सेकंड में आपका इतना जनरेट हो जाएगा, मतलब बहुत फास्ट स्पीड से ये सब चीज होगा, ठीक है। हम लोगों को तो दिखेगा भी नहीं, हम लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कब आर्क बंद हुआ, कब आर्क स्टार्ट हुआ, कब आर्क बंद हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ये सब चीज हमको आंखों से तो दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो आप अगर वीडियो बनाएंगे फिर उसको स्लो प्रोसेस से चलाएंगे तब आपको समझ में आएगा, हाँ यार अभी आर्क बंद हो गया, अभी थोड़ा पुश करो फिर थोड़ा चलो, वीडियो में भी आई थिंक नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए अच्छा सा आपको देखने के लिए सेटअप करना पड़ेगा। ओके, दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर इज नॉर्मली अचीव्ड विथ CO2 और मिक्सचर CO2 एंड आर्गन गैस, अदरवाइज लो एम्पियर एंड वेल्डिंग वोल्टेज 24 से कम होना चाहिए। ओके, CO2 से हम जनरली अचीव कर सकते हैं, CO2 जहां पे आता है वहां पे स्पेटर ज्यादा आता है, ये फंडा याद रखिए। इसी की वजह से डीप ट्रांसफर जो है उसमें सबसे ज्यादा स्पेटर आता है। डीप ट्रांसफर मतलब एक ड्रॉप गिरा फिर दूसरा ड्रॉप जब तक मेल्ट नहीं होता है तब तक नहीं गिरेगा, तीसरा फिर उसके बाद ऐसा ऐसा करके गिरता रहेगा, उसको बोलते हैं डीप ट्रांसफर। तो ये GMAW का एक पार्ट है। अभी स्प्रे ट्रांसफर की थोड़ा बहुत बात करते हैं। स्प्रे ट्रांसफर इज फ्री फ्लाइट मेटल ट्रांसफर। फ्री फ्लाइट मेटल ट्रांसफर का मतलब बहुत सारा मोल्टेन मेटल ट्रांसफर होगा हाई डिपोजिशन की वजह से, उसको फ्री फ्लाइट मेटल ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। मेटल ट्रांसफर मतलब फिलर जो है वो पिघलेगा ज्यादा और गिरेगा भी ज्यादा, पिघलेगा ज्यादा और गिरेगा भी ज्यादा, ऐसा सिस्टम है, उसकी वजह से उसको स्प्रे ट्रांसफर। एक स्प्रे जैसा एकदम रनिंग ही रहेगा, आप एक पिचकारी मारते हैं तो पिचकारी में हम क्या करते हैं वो पानी निकलता ही रहता है, वैसे ही यहाँ पे बेज में हमारा फिलर है वो जलता रहेगा और ऑटोमेटिकली गिरता रहेगा ऐसा, तो उसी की वजह से उसको स्प्रे ट्रांसफर बोलते हैं। ओके, हाई हीट इनपुट, मैं आपको पहले भी बोला इसमें करंट भी ज्यादा है वोल्टेज भी ज्यादा है, इसकी वजह से आपका हाई हीट इनपुट बनेगा और हाई डिपोजिशन रेट। अगर करंट भी ज्यादा है, अगर आपका वोल्टेज भी ज्यादा है तो मेल्टिंग ज्यादा होगा तो वो वेज मेटल में अंदर ज्यादा गिरेगा, तो उसी की वजह से हाई डिपोजिशन रेट भी आपका जनरेट होगा, आपका एकदम अच्छा सा ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, डिपोजिशन ज्यादा होगा आपका मेटल का। स्मूथ एंड स्टेबल आर्क, एकदम शानदार आर्क मिलेगा आपको, एकदम जनरेट और एकदम 5 स्टार आप बोलेंगे वैसा आर्क, आर्क कभी बंद ही नहीं होगा ऐसा। जो हमने डीप ट्रांसफर में क्या देखा कि एक सेकंड में 50 से 200 बार वो आर्क बंद होगा स्टार्ट होगा, बंद होगा स्टार्ट होगा, ऐसा होगा, लेकिन यहां पे स्प्रे ट्रांसफर में ऐसा चीज नहीं होगा, एकदम स्टेबल आर्क जनरेट होगा। ओके, यूज्ड ऑन स्टील अबव 6 mm थिकनेस एंड एल्यूमिनियम अबव 3 mm थिकनेस। तो अभी स्टील है उसमें 6 mm अबव थिकनेस में भी, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली GMAW जो पाइपिंग में यूज करते हैं उसमें मोस्टली हम स्प्रे ट्रांसफर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 6 mm से अबव थिकनेस में यूज कर सकते हैं और एल्यूमिनियम का कोई थिकनेस है उसको 3 mm से अबव यूज कर सकते हैं। डीप ट्रांसफर में हमने देखा कि वो एल्यूमिनियम जिंक एंड कॉपर वो सब चीज में वेल्डिंग नहीं मार सकता है, लेकिन ये स्प्रे ट्रांसफर यहाँ पे एल्यूमिनियम का बात आया, इसका मतलब आपको ये भी बहुत सारा कंक्लूजन निकालना है कि ये एल्यूमिनियम में भी यूज होता है, फेरस में भी यूज होता है, नॉन फेरस में भी यूज होता है। ओके, स्प्रे ट्रांसफर का थोड़ा बहुत यहाँ पे फिगर आई थिंक दिया है, तो वो फिगर दिखा देता हूं अगर दिया है तो। हाँ, ये स्प्रे ट्रांसफर है, ठीक है, आप देख रहे हैं ड्रॉप इतने सारे गिर रहे हैं, एकदम कंटिन्यूटी रहेगा आपका, गिरेगा गिरेगा गिरेगा, बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। ओके, अभी स्प्रे ट्रांसफर ओक्यूर एट अ हाई करंट एंड वोल्टेज, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं स्प्रे ट्रांसफर में करंट वो भी ज्यादा रहेगा वोल्टेज भी ज्यादा रहेगा। अबव द ट्रांजिशन करंट मेटल टेम्परेचर मेटल ट्रांसफर ऑफ द स्प्रे ट्रांसफर इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स एंड विच प्रोजेक्ट द अक्रॉस द आर्क विज न्यू विथ लो स्पेटर लेवल। अगर यहाँ पे मैं आपको ये बोलूं कि कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूस फ्लो होने की वजह से वेल्डिंग यहाँ पे अच्छा सा गिर रहा है और ऊपर से आर्क भी स्टेबल है और ऊपर से CO2 थोड़ा बहुत आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि आर्क स्टेबल है इसके लिए। अगर आर्क अनस्टेबल होता तो स्पेटर जनरेट करता, लेकिन यहाँ पे अभी आर्क अनस्टेबल नहीं है, ठीक है, करंट भी इनफ है, हमारा वोल्टेज भी इनफ है, उसी की वजह से इसमें स्पेटर नहीं आएगा और कंटिन्यूस वेल्डिंग होता रहेगा और आपका जो स्पेटर है वो भी कम आएगा। तो हाई वेल्डिंग करंट प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पहले तो जनरेट क्यों होगा वो हमको समझना है, क्योंकि वो इसके लिए जनरेट होगा, इसमें वोल्टेज ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा है तो ऑलरेडी पीछे से फोर्स मारने वाला जो बंदा जो था वही वोल्टेज है, तो उसी की वजह से हाई वेल्डिंग करंट प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इसी की वजह से उसको पिंच इफेक्ट बोलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि विच पिंच इफेक्ट इट्स ओक्यूर इन बिलो ट्रांसफर
ऐसा करके पहला ऑपर डीप ट्रांसफर, दूसरा स्प्रे ट्रांसफर, पल्स ट्रांसफर एंड गोबुलर ट्रांसफर, ऐसा करके ऑप्शन रहेगा। तो आपको वहां पे एक क्वेश्चन रट्टा मार लो, पिंच इफेक्ट जो है वो इसी में ही आएगा और किसी में नहीं आएगा, स्प्रे ट्रांसफर में ही पिंच इफेक्ट होगा। ठीक है, पिंच इफेक्ट मतलब आपको जैसे भी याद रखना है। ठीक है, 340 सर प्लीज थोड़ा म्यूट कर दीजिएगा। हेलो सर, थोड़ा म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके, अभी मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे देखो आज का सेशन है थोड़ा टफ है, आपको इमेजिन करके चलना पड़ेगा। आज का सेशन में ऐसा चीज है कि उसमें से 6 से 8 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको अगर पास होना है तो मैं यहाँ पे बोलता भी जाएगा, आप याद रखिए या आपकी बुक में हाईलाइट करते जाइए, या आपको पास होना है। देखो एक क्वेश्चन 1000 रुपीज का है, क्यों? क्योंकि आपका फीस जो है TWI और आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो वहां पे भी आपको फी देना पड़ेगा और आपको TWI को फी देना पड़ेगा, तो 1.5 लाख का जनरल एवरेज आ जाता है। उसमें भी खाना है अलग और आपका रहना भी, वो सब चीज आपके ऊपर डिपेंड रहेगा अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करते हैं तो 1 मंथ तक आपको ये सब चीज आपके भारी भरकम बोझ पड़ेगा, तो 1.5 लाख का जनरल इफेक्ट आएगा और आपका क्वेश्चन जो है 148 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, तो 148 क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करें तो 1,00,000 का एक क्वेश्चन पड़ा। तो आज का सेशन 6 क्वेश्चन का है, तो आप 6,000 का अगर प्रॉपर तरीके से ध्यान देंगे तो आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगा। पिंच इफेक्ट आप याद रखिए, पिंच इफेक्ट में वापस समझा देता हूं, हाई वेल्डिंग करंट प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसी की वजह से उसको पिंच इफेक्ट कहते हैं, दैट कॉज द मोल्टेन फिलामेंट सपोर्टिंग ड्रॉपलेट निक डाउन। ये आपको समझ में आता है तब भी ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है, ये रट्टा मार लेना है, इतना मैं हाईलाइट किया वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ड्रॉपलेट डिटैच मतलब अलग होना, ड्रॉपलेट अलग होता है कब? फ्रॉम द टिप्स ऑफ द वायर एक्सेलरेशन ऑफ द आर्क गैप, मतलब यहाँ पे जो गैप है यहाँ पे अलग होगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक दूसरे के बीच में एक थोड़ा गैप है, देख रहे हैं एक दूसरे के बीच में गैप है, तो मतलब ये ऑटोमेटिकली आर्क फोर्स या फिर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ऑटोमेटिकली वो अलग हो जाएगा। द फ्रीक्वेंसी एट विच द ड्रॉपलेट डिटैच मतलब अलग होना इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द करंट, अगर आपका करंट बढ़ेगा तो आपका ज्यादा ड्रॉप अलग हो जाएगा और ज्यादा ड्रॉप गिरेगा, वैसे ही आपका वेल्डिंग चलता रहेगा। आपका करंट ज्यादा है तो फिर मेल्टिंग ज्यादा होगा तो नीचे जल्दी गिरेगा तो दूसरा ड्रॉप ऊपर जनरेट होगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर तीसरा ड्रॉप जनरेट होगा, जैसे ही एक ड्रॉप वहां से निकलता है तो ऊपर ऑलरेडी दूसरा ड्रॉप मेल्ट हो चुका रहता है, तो वैसे आपका जनरल प्रोसेस चलता रहेगा। ओके, The droplet size equates to the wire diameter of the threshold level, but decreasing the significance of the welding current increase. ठीक है, blah blah blah, मैं अभी समझाया वही है। A very high current wire feed speed, the molten droplet can start the rotating transfer. मतलब ये जो droplet है वो नीचे गिरेगा तो थोड़ा घूमेगा भी। ठीक है, आपको मटेरियल साइंस मेटलर्जी को थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ही ड्रॉपलेट गिरेगा उसको एक फोर्स मिलेगा, इलेक्ट्रो फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसी की वजह से वो थोड़ा रोटेट भी होगा और एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं होगा, सीधा टूट के नीचे गिरेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, द आर्क करंट इज फ्लोइंग फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ द ड्रॉप डिटैचमेंट रिजल्टिंग द मैक्सिमम पेनेट्रेशन इन हीट इनपुट। तो आपका यहाँ पे हीट इनपुट ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे देख रहे हैं एकदम नीचे तक घुस गया मेटल, क्यों? क्योंकि वो गर्म है, ज्यादा अंदर गिरेगा तो उसको जगह भी ज्यादा जाने के लिए चाहिए, अगल बगल का वो हीटिंग भी करके जाएगा, वो खुद तो हीटिंग है ही, इसी की वजह से एकदम डेप्थ में जाएगा तो पेनेट्रेशन बढ़ाएगा। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि विच ट्रांसफर इज हाई पेनेट्रेशन ओक्यूर, ऐसा करके आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपका डीप ट्रांसफर, स्प्रे ट्रांसफर, गोबुलर ट्रांसफर या फिर आपका लास्ट में जो बचा है वो
पल्स ट्रांसफर, तो आपको ऑप्शन देना है स्प्रे ट्रांसफर। अगर मैं आपको फंडा यही बोलू कि लेक ऑफ फ्यूजन आएगा तो डीप ट्रांसफर आंसर दे दो। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, वो एक क्वेश्चन के अलावा कुछ भी कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आता है, तो स्प्रे ट्रांसफर आंसर दे देने का, ठीक है। वैसा करना नहीं चाहिए, आपको श्योरिटी होना चाहिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो लास्ट में आप स्प्रे ट्रांसफर आंसर दे दीजिए, लेकिन वो मैं क्वेश्चन आंसर करवाएगा तो सब जाएगा। ओके, व्हेन द करंट आर्क वोल्टेज टू गिव द स्प्रे ट्रांसफर इज यूज, द आर्क इज शॉर्ट विथ इन द 1 to 3 mm फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द प्लेट, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। यहाँ पे आपका फंडा प्रॉब्लम जो ये क्वेश्चन आएगा आप लिख लीजिए, विथ द स्टील इट कैन यूज ओनली डाउन हेड बट वेल्ड, मतलब डाउन हेड पोजिशन में ही इसको यूज कर सकते हैं। फ्लेट पोजिशन है तो हॉरिजॉन्टल फ्लेट या फिर वर्टिकल फ्लेट पोजिशन में ही यूज कर सकते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि मैं ओवर हेड पोजिशन में यूज कर लेगा तो घंटा भी नहीं चलेगा, आपका स्प्रे ट्रांसफर ओवर हेड पोजिशन में यूज नहीं होता है। डाउन हेड बट वेल्ड पोजिशन मतलब वर्टिकल डाउन पोजिशन में आप स्प्रे ट्रांसफर को यूज कर सकते हैं, और आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फिलेट और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन में भी आप यूज कर सकते हैं डाउन हैंड बट वेल्ड, लेकिन यहाँ पे फ्लेट पोजीशन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको फ्लेट पोजीशन भी मार सकते हैं, बट गिव्स द हायर डिपोजिशन रेट, आपको डिपोजिशन रेट एकदम हायर मिलेगा। पेनेट्रेशन एंड फ्यूजन देन डीप ट्रांसफर बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस आर्किटिंग, अगर पेनेट्रेशन और फ्यूजन जो डीप ट्रांसफर में कांड हो रहा था हमको, वो इसमें हमने सॉल्व किया, किसमें, स्प्रे ट्रांसफर में। स्प्रे डीप ट्रांसफर में क्या प्रॉब्लम था कि भाई उसमें फ्यूजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था, ड्रॉप गिरता था तो जहां पे गिरता था वहां पे एकदम सॉलिडिफिकेशन हो जाता था, अगल बगल वाले एरिया वाले को भी वो हीट नहीं करता था, उसी की वजह से उसका शेप भी प्रॉपर नहीं आता था, और पेनेट्रेशन भी नहीं, डीप एकदम डेप्थ में जो पेनेट्रेशन आना चाहिए वो भी नहीं आता था, लेकिन हमने स्प्रे ट्रांसफर में ये सब चीज सॉल्व किया। तो ये सब चीज स्प्रे ट्रांसफर में नहीं होता है। इट इज मेनली यूज इन स्टील प्लेट अबव 3 mm थिकनेस बट लिमिटेड यूज इन पोटेंशियल वेल्डिंग ड्यू टू द पोटेंशियल लार्ज ऑफ द वेल्ड स्पूल इन्वॉल्व, मतलब हमने बोला कि भाई 3 mm थिकनेस में से ज्यादा थिकनेस में आपका एल्यूमिनियम का 3 mm थिकनेस है, उसमें से ज्यादा थिकनेस में और आपका कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील जो भी है उसके 6 mm थिकनेस के अबव में आप स्प्रे ट्रांसफर यूज कर सकते हैं। पल्स ट्रांसफर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं ये सब चीज नहीं करवा रहा हूं, लेकिन यहां पे थोड़ा बहुत ग्लोबुलर ट्रांसफर करवा देता हूं, पल्स ट्रांसफर भी थोड़ा कर लेते हैं, चलो। ओके, पल्स ट्रांसफर में क्या होता है, पहले मैं ग्राफ समझा देता हूँ फिर आपको पल्स ट्रांसफर। पल्स ट्रांसफर में क्या होता है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा टाइम ले लेता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे ही आपका करंट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक टाइम पे फुल करंट बढ़ेगा, फिर थोड़ी टाइम के लिए करंट कॉन्स्टेंट रहेगा, फिर धीरे धीरे करंट फॉल होना स्टार्ट होगा, फॉल होना, एक टाइम ऐसा आएगा कि करंट नियर बहुत कम रह जाएगा, फिर वापस बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर ऐसा करके सिस्टम चलेगा, उसी की वजह से उसको बोलते हैं कौन सा ट्रांसफर, पल्स ट्रांसफर। पल्स ट्रांसफर में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रहता है, पहले करंट बढ़ेगा मतलब मेल्टिंग बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि थोड़ी देर मेल्ट जनरेट हो जाएगा, एकदम अच्छे से ड्रॉप बन जाएगा मेल्ट होके, फिर वो नीचे गिर जाएगा, फिर वो करंट भी ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा, करंट नीचे गिरा, एक टाइम ऐसा आएगा कि करंट एकदम कॉन्स्टेंट रह जाएगा, फिर वापस वो ड्रॉप गिरने के बाद दूसरा ड्रॉप जनरेट करने के लिए वापस करंट जनरेट होगा, वापस करंट अच्छा सा करंट ऊपर तक जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा तो फिर वापस वहां पे ड्रॉप एक जनरेट होगा, हमारा फिलर मेटल का आगे का जो टिप्स है वहां पे फिर वो गिरने लगेगा, तो यहां पे उसको बोलते हैं वन फ्रीक्वेंसी। तो आपको यहां पे फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 50 से 300, उसमें कितना था डीप ट्रांसफर में, 50 से 200 था, लेकिन यहां पे कितना है फ्रीक्वेंसी आपका, 50 से 300 है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के ब्रदर ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्री फ्लाइट ड्रॉपलेट ट्रांसफर विदाउट शॉर्ट सर्किट, मतलब आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। पहले डीप ट्रांसफर में आपका क्या हो रहा था, शॉर्ट सर्किट हो रहा था, फर्स्ट ट्रांसफर हमने समझाया उसमें एक शॉर्ट सर्किट जैसा जनरेट हो रहा था, लेकिन इसमें आपको वो शॉर्ट सर्किट जनरेट नहीं होगा। डीप ट्रांसफर में जितना भी कांड हुआ वो हम सॉल्व करने के लिए प्रे ट्रांसफर में गए, प्रे ट्रांसफर में भी सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हम पल्स ट्रांसफर में गए, लेकिन पल्स ट्रांसफर भी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपको जनरली स्प्रे ट्रांसफर जनरल लाइफ में यूज करना चाहिए। ओके,
फ्री फ्लाइट ड्रॉप ट्रांसफर विदाउट शॉर्ट सर्किट, मतलब शॉर्ट सर्किट इसमें नहीं होगा, ओवर द एंटायर वर्किंग रेंज, कोई भी रेंज हो इसमें शॉर्ट सर्किट का चांस कम है। वेरी लो स्पैटर, आपका स्पैटर जो डीप ट्रांसफर में ज्यादा स्पैटर उड़ रहा था तो हमने यहाँ पे स्पैटर को अवॉइड किया। ओके, लोअर हीट इनपुट देन स्प्रे ट्रांसफर, स्प्रे ट्रांसफर जितना हीट इनपुट यहाँ पे जनरेट नहीं होता है, स्प्रे ट्रांसफर में बहुत ज्यादा हीट इनपुट जनरेट होता है, क्यों, क्योंकि उसमें करंट भी ज्यादा है, वोल्टेज भी ज्यादा है, लेकिन पल्स ट्रांसफर में ये सब चीज नहीं है। पल्स ट्रांसफर में आपका हीट इनपुट इतना स्प्रे ट्रांसफर जितना नहीं होगा पल्स ट्रांसफर में, ठीक है। पल्स और स्प्रे, स्प्रे मतलब एकदम पिचकारी, आप याद रखिए, पल्स मतलब गिरेगा फिर थोड़ी टाइम रुकेगा, फिर गिरेगा फिर थोड़ी टाइम रुकेगा, फिर गिरेगा फिर थोड़ी टाइम रुकेगा, ऐसा मैं जो ग्राफ समझाया वैसा। ओके, रिड्यूस द रिस्क ऑफ लेक ऑफ फ्यूजन कंपेयर टू द डीप ट्रांसफर, क्यों ऐसा, क्योंकि करंट यहाँ पे थोड़ी देर वो कांस्टेंट रहता है, उस टाइम पे उसका हीट प्रॉपर तरीके से जनरेट हो जाएगा, उसी की वजह से यहाँ पे लेक ऑफ फ्यूजन आने का चांस कम है। लेक ऑफ फ्यूजन क्यों कम आएगा, क्योंकि डीप ट्रांसफर में जैसे ही गिरता था वो सॉलिड हो जाता था, लेकिन यहाँ पे वो ड्रॉप जो गिरेगा वो ऑलरेडी उसके पास सुफिशियंट हीट है, वो ऑलरेडी मेल्ट बहुत अच्छा सा हो चुका है, और वो मेल्ट वाला अगर ड्रॉप गिरेगा नीचे तो फिर वो फिर थोड़ी देर में फैलेगा भी, नीचे गिरने का बाद बेस मैटर को भी थोड़ा बहुत पिघलाएगा, तो उसी की वजह से यहाँ पे जो डीप ट्रांसफर में कांड हो रहा था वो कांड यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल ऑफ वेल्ड बिल्ड प्रोफाइल एंड डायनेमिकली लोड पार्ट, लोडेड पार्ट, ठीक है, कंट्रोल बिल्ड प्रोफाइल, ठीक है, वेल्ड बिल्ड प्रोफाइल, कंट्रोल ऑफ वेल्ड बिल्ड प्रोफाइल मतलब आप आपका जो वेल्डिंग मार रहे हैं, आप वीविंग कर रहे हैं, वो सब चीज भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अभी मैं आगे का बात करूं, प्रोसेस कंट्रोल फ्लेक्सिबिलिटी, आपका प्रोसेस कंट्रोल फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, जैसे कि हमारा स्प्रे ट्रांसफर में कांड ये हो रहा था कि डाउन हैंड पोजीशन में ही आप वेल्डिंग मारेंगे, मतलब हाथ नीचे रहता है वैसी पोजीशन में ही आप वेल्डिंग मार सकते हैं, या फिर फ्लैट या वर्टिकल फिलेट में ही पोजीशन मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल है, आप अच्छे से अच्छा पोजीशन में भी वेल्डिंग मार सकते हैं। एनेबल टू यूज द लार्ज डायमीटर, लार्ज डायमीटर इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब सॉरी लार्ज डायमीटर इसमें यूज कर सकते हैं। लेस एक्सपेंशन एक्सपेंसिव वायर विथ थिनर प्लेट एंड मोर इजीली फीड पर्टिकुलरली एडवांस एल्यूमिनियम वेल्डिंग, मतलब यहाँ पे मोटा थिकनेस वाला भी वेल्डिंग मार सकते हैं, पतला थिकनेस का भी वेल्डिंग मार सकते हैं, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं है। इतना बड़ा सब चीज है लेकिन इतना बड़ा मैं नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ पे खाली इतना आप देख लीजिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैं बोल दिया आपको, ये जो चीज है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए ये याद रख लीजिए। इसके बाद ये जो ग्राफ है वो थोड़ा बहुत याद रख लीजिए, ठीक है, ये ग्राफ, पहले करंट बढ़ेगा, ठीक है, वो रेजिंग टाइम बोलते हैं उसको, करंट का रेजिंग टाइम, यहाँ पे टाइम वर्सेस करंट का दिया है, जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा वैसे करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, वो एक हीट, आपने पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट देखा है वैसा ही चार्ट जैसा है, समझ रहे हैं, तो आप ऐसा याद रखिए, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट जैसा ही हमारा पल्स ट्रांसफर है, ठीक है, ऐसा आप याद रखेंगे तो आपको थोड़ा इजीली, वरना ये चारों जो दिशाएं है वो आपको मिक्स हो जाएगी कि डीप ट्रांसफर कौन सा था, पल्स ट्रांसफर कौन सा था, स्प्रे ट्रांसफर कौन सा था, ग्लोबुलर ट्रांसफर कौन सा था, वो सब मिक्स हो जाएगा। डीप ट्रांसफर मतलब सबसे पहला ट्रांसफर, ग्लोबुलर मतलब सबसे लास्ट वाला ट्रांसफर, और पीपी वाला हो बीच में घुसा हुआ है वो दोनों ट्रांसफर, पी मतलब स्प्रे ट्रांसफर, और एक एस है वो स्प्रे ट्रांसफर, और एक पी है वो पल्स ट्रांसफर, ठीक है, पल्स ट्रांसफर में आप यहाँ पे ग्राफ दिखाया वैसा होता है। अभी ये तीनों जो हमारा ट्रांसफर है इसमें किसी को कुछ कांड है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछिए, तो हम सॉल्व करते हैं, बाद में हम ग्लोबुलर ट्रांसफर में पढ़ते हैं। यस सर, इसमें बहुत सारे टेक्निकल, मुझे पता है इसमें क्वेश्चन होंगे ही, बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है, इसी की वजह से बहुत सारे लोग इससे डरते हैं कि यार ट्रांसफर क्या है यार, ये कितनी बार ट्रांसफर को याद रखे, क्योंकि अगर आपको एग्जाम देना है तो ये याद रखना पड़ेगा। ओके सोनू जान सर, यस सर, सर नमस्ते, हेलो, यस सर, यस सर, सर पहली बात ये जो ट्रांसफर्स है डिफरेंट टाइप टू ट्रांसफर सेलेक्ट कैसे करेंगे, और शीट मेटल इंडस्ट्री में कौन सा ज्यादा सर यूज कर सकते हैं डिप ट्रांसफर, शीट मेटल में आप जनरली डिप ट्रांसफर भी यूज कर सकते हैं और पल्स ट्रांसफर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप शीट मेटल इंडस्ट्री है वो 6 mm थिकनेस, आपको थिकनेस भी सबका देखना है, ठीक है, देखो डीप ट्रांसफर जो है वो आपको कितने थिकनेस यहाँ पे बोला आपको 0.8 से आप 3.2 तक ही वेल्डिंग मार सकते हैं डीप ट्रांसफर में, और आपका जो मैं दूसरा जो ट्रांसफर समझाया आप स्प्रे ट्रांसफर वो 6 mm से अबव
और अगर फेरस मेटल है तो उसमें नॉन फेरस मेटल है तो उसमें 3 mm से अबव, तो आपको डीप ट्रांसफर है वो फेरस नॉन फेरस में यूज नहीं होता है वो भी ध्यान रखना है, लेकिन स्प्रे ट्रांसफर फेरस में नॉन फेरस में बोथ में यूज होता है, फेरस में 6 mm से अबव और नॉन फेरस में हमारा एल्यूमिनियम जो है, कॉपर है, हमारा दूसरा कोई जिंक है उसमें 3 mm से अबव। और हीट की बात करें तो डीप ट्रांसफर में कम हीट प्रोड्यूस होता है, उसी की वजह से शीट मेटल इंडस्ट्री में कम हीट का ही जनरली जरूरत पड़ता है, तो आप डीप ट्रांसफर वहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि 50 mm थिकनेस है, 8 mm थिकनेस है, 15 mm थिकनेस है, उसमें मैं डीप ट्रांसफर को यूज कर लूं तो नहीं चलेगा। तो ये सब चीज आपको कब पता चलेगा, ये सब चीज जब आपको नॉलेज रहेगा ये ट्रांसफर के बारे में, तब जाके आपको ये सब चीज समझ में आएगा कि आपको किस में डिपोजिशन ज्यादा लाना है, किस में डिपोजिशन कम लाना है। डीप ट्रांसफर में आपका डिपोजिशन कम आएगा, स्प्रे ट्रांसफर में आपका डिपोजिशन ज्यादा आएगा। और आपका हमारा दूसरा जो हमने बताया पल्स ट्रांसफर, तो पल्स ट्रांसफर में आपका साइकिल तो बढ़ेगा, लेकिन ये भी आप शीट मेटल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी थिकनेस 1 mm से अबव एंड 6 mm से अबव में भी आप स्टील में 6 mm से अबव, ठीक है, और स्टील शीट मेटल, ठीक है, शीट मेटल इंडस्ट्री में आप 1 mm से मतलब इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्पैटर थोड़ा बहुत कम लाना है तो पल्स ट्रांसफर को यूज करिए, स्पैटर थोड़ा बहुत ज्यादा आएगा लेकिन आपका प्रोडक्शन भी थोड़ा ऐसा रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए तो डीप ट्रांसफर को यूज करिए। वो आपको डिपेंड ऑन योर मटेरियल, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ऐसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यस सर, और कोई क्वेश्चन है? यस सर, हेलो, यस सर, मैं इस ट्रांसफर को सेलेक्ट कैसे करूंगा मेरे टॉर्च में? ओ, टॉर्च में आप कैसे सिलेक्ट करेंगे वैसा बोल रहे हैं ना, तो आपको करंट वोल्टेज के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। आप अगर करंट ज्यादा रखेंगे आपका नोजल उसके हिसाब से रखेंगे तो उसके हिसाब से, अगर आप करंट आप बहुत ज्यादा रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्प्रे ट्रांसफर बन जाएगा, और आप करंट थोड़ा कम रखेंगे तो डीप ट्रांसफर बन जाएगा, ठीक है, और वोल्टेज आप ज्यादा रखेंगे तो वो डीप ट्रांसफर बन जाएगा, करंट आप ज्यादा रखेंगे तो वो सब ऑटोमेटिकली सिस्टम है। तो लेकिन वो ऑटोमेटिकली सिस्टम भले ही है लेकिन फिर भी आप फंसने का चांस है यहाँ पे, ठीक है। हेलो सोनू सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, और किसी को सोनू सर का जो क्वेश्चन है सर, उसमें फहीम सर है आज? हेलो फहीम सर आज नहीं है आई थिंक। हेलो हेलो हेलो, यस आकाश सर, यस हेलो सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आकाश सर, सर आपकी आवाज कट रही है सर। नहीं सर, अभी भी कट रही है सर। यस सर, हेलो सर, अभी भी कट रही है सर। हेलो हेलो सर, अभी भी आवाज नहीं आ रही है सर। ठीक है, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं चैट बॉक्स के हिसाब से। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है सर। आकाश सर, मेरा क्वेश्चन इतना मुझे समझ में आया, बाकी आवाज नहीं आई। एक काम करिए, आप चैट बॉक्स में लिख के डाल दीजिए, मैं सॉल्व कर लेगा उसको, ठीक है सर। आकाश सर चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है सर? आपका नेटवर्क आई थिंक पुअर हो सकता है, मे बी अगर आप बीच में नेटवर्क आ जाता है तो डेफिनेटली पूछिए सर। यस सर, हेलो ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पल्स ट्रांसफर इतना किया है, इतना क्यों छोड़ने का, इसको कर ही लेते हैं साथ में, ठीक है, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। ओके, पल्स ट्रांसफर को मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लगा कि इसको छोड़ देते हैं लेकिन कर लेते हैं। चलो, पल्स ट्रांसफर is welding current extend the range of the spray transfer operation well below the natural transition of the deep transfer and spray transfer का दोनों का बीच वाला कांड है, ठीक है। पल्स ट्रांसफर मतलब स्प्रे ट्रांसफर भी नहीं और डीप ट्रांसफर भी नहीं। डीप ट्रांसफर में स्पेटर ज्यादा आता था तो वो सॉल्व हम इसमें करेंगे पल्स ट्रांसफर में, और स्प्रे डीप ट्रांसफर में थोड़ा हीट इनपुट कम था तो हम थोड़ा और हीट इनपुट बढ़ा देंगे, लेकिन स्प्रे ट्रांसफर पे थोड़ा हीट इनपुट कम रखेंगे, तो उसी की वजह से वो बीच वाला रास्ता हमने निकाला है पल्स ट्रांसफर का।
This allows the smooth spatter free from the spray transfer admin the current below the transition level. मतलब करंट आपका थोड़ा कम रहेगा इसमें. मैं आपको पहले भी बोला कि आपका सिलेक्शन कैसा होगा. आप जो सोनू सर जी ने जो क्वेश्चन पूछा एकदम शानदार क्वेश्चन था कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा ट्रांसफर हो रहा है. तो आपका कैसा करंट है, कैसा वोल्टेज है, उसके ऊपर ये सब चीज डिपेंड है. आप अगर करंट ज्यादा रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर स्प्रे ट्रांसफर गिना जाएगा, क्योंकि वहां पे करंट भी ज्यादा वोल्टेज भी आप ज्यादा रख रहे हैं, उसके हिसाब से आप PQR क्वालिफाई कर रहे हैं, तो फिर वो स्प्रे ट्रांसफर में घुसेगा. अगर आप करंट कम रख रहे हैं, वोल्टेज भी कम रखते हो, डीप ट्रांसफर में घुसेगा. और ऑटोमेटिकली वो सब चीज है ना, आप अगर करंट भी कम रखेंगे, वोल्टेज भी कम रखेंगे और GMAW का प्रोसेस यूज करेंगे, उसमें ऊपर से CO2 घुसाएंगे, तो क्या कांड होगा, आपका ड्रॉप जो है वो धीरे 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 डीप ट्रांसफर जैसे आता है ना वैसे आएगा. पल्स ट्रांसफर में भी ऐसा सिस्टम होगा. तो उसी की वजह से ऊपर से आप ये फंडा याद रखिए, MIG एंड MAC प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टेंट वोल्टेज प्रोसेस है. ठीक है, कॉन्स्टेंट वोल्टेज प्रोसेस है, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है. ओके, दिस इज द 50 से 150 एम्पियर एंड लोअर हीट इनपुट. आपका करंट जो है वो 50 से 150 के बीच में ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाला जो था उसमें सबसे ज्यादा करंट था. ठीक है, द पल्स वॉज इंट्रोड्यूसिंग ओरिजिनली फॉर कंट्रोल ऑफ मेटल ट्रांसफर बाय इम्पोजिंग आर्टिफिशियल साइकिल ऑपरेशन ऑन द आर्क सिस्टम बाय अप्लाइंग द अल्टरनेटिवली हाई एंड लो करंट. मतलब आप अल्टरनेटिवली हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से. ठीक है, यहाँ पे फिगर दिखाया है टिपिकली. यस सोनू सर. यस सर, जब हम GMAW की WPS PQR बनाते हैं उसमें भी जो ट्रांसफर मोड लिखना है वो करंट के हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा. यस सर, ग्लोबलर. यस सर, यस सर, मैं आपको एक WPS अभी दिखाता हूं अगर मेरे पास अभी उस. ठीक है, मैं ऐसा है तो आपको व्हाट्सअप कर देगा. मेरे पास एक WPS है, वो मैं दिखाएगा तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा कि इसमें कौन सा ट्रांसफर लिखा है. ग्लोबुलर ट्रांसफर लिखा है, स्प्रे ट्रांसफर लिखा है, वैसा आपको. ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको उसके हिसाब से भी डिसाइड करना पड़ेगा. वेल्डिंग, वेल्डिंग में P4 to P1 का निकालता हूँ. ठीक है, इसमें बहुत सारे, देखो मेरे पास इतने सारे WPS, इसमें मुझे ये FCAW का भी है, GMAW का भी, SAW का भी, GMA+SMA, GTA+SMA, तो मैं ढूंढ के आपको मैं व्हाट्सअप करेगा तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा. ठीक है, तो आप उसके हिसाब से करिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. द पल्स ऑफ द करंट जनरेट वेरी हाई ऑटोमैग्नेटिक फोर्स. फोर्स यहाँ पे ज्यादा रहेगा, पल्स जो है वो ज्यादा फोर्स करेगा. एंड स्ट्रॉन्ग पिंच इफेक्ट ऑन अ मेटल फिलामेंट सपोर्ट एंड ड्रॉपलेट. द ड्रॉपलेट इज डिस्पैच एंड द प्रोजेक्शन अक्रॉस द आर्क गैप. ठीक है, और पल्स करंट एंड करंट डेंसिटी मस्ट बी सफिशियंटली हाई इंश्योर दैट द स्प्रे ट्रांसफर इज ऑलवेज ओक्यूर्ड सो दैट पोजिशनल वेल्डिंग कैन यूज. मतलब सभी पोजिशन के लिए, मोस्ट ऑफ पोजिशन के लिए आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, अभी मुझे लगता है कि हम लोग ग्लोबुलर ट्रांसफर स्टार्ट करते हैं, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ग्लोबुलर ट्रांसफर जो लास्ट ट्रांसफर बचा वही है. पहला हमने डीप का बात किया, डीप ट्रांसफर. दूसरा हमारा स्प्रे ट्रांसफर की बात किया, जो सबसे शानदार, सबसे अच्छा, हम भी अभी जो हम लोग जनरल लाइफ में यूज करते हैं वो स्प्रे ट्रांसफर है. करंट भी ज्यादा रखना है, वोल्टेज भी ज्यादा रखना है, प्रोडक्शन भी ज्यादा चाहिए, पेनेट्रेशन भी ज्यादा चाहिए, सब चीज ज्यादा चाहिए, तो वो चीज यूज करो. उसके बाद आता है पल्स ट्रांसफर. वो ग्लोबुलर ट्रांसफर, सॉरी, हाँ, पल्स ट्रांसफर वो डीप ट्रांसफर एंड हमारा स्प्रे ट्रांसफर का एकदम मिडल वाला पॉइंट है, वो वैसा ट्रांसफर है. लेकिन ग्लोबुलर ट्रांसफर है उसमें इरेग्युलर मेटल चिप घंटे जैसा स्टी आपका वेल्डिंग आएगा, और ड्रॉप अगल बगल वाला बराबर प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा, हीट इनपुट भी उसका बराबर जनरेट नहीं होगा, मतलब एवरेज रहेगा, और मीडियम डिपोजिशन रेट है, मतलब जो वहाँ पे वेल्डिंग का प्रोडक्टिविटी है वो भी एवरेज रहेगा, और हमारा रिस्क ऑफ पैटर यहाँ पे थोड़ा स्पैटर ज्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, और नॉट वाइडली यूज्ड इन यूके. मतलब यूके में, यूनाइटेड किंगडम जो है, वहां पे जनरली ये लोग ज्यादातर ये ग्लोबुलर ट्रांसफर को अवॉइड करते हैं, उसको नहीं यूज करते हैं. ठीक है, उसको नहीं के बराबर है. कैन बी यूज्ड इन मशीनाइज्ड वेल्डिंग ऑफ द मीडियम थिकनेस स्टील, टिपिकली 3 to 6 mm के बीच में, और वो भी ओनली फ्लैट पोजिशन में ही यूज कर सकते हैं. इसके लिए ये घंटे जैसे ट्रांसफर को हम यूज जनरली कम करते हैं. ओके,
अभी ये ट्रांसफर में प्रॉब्लम ये है कि आपका जो शॉर्ट सर्किट थोड़ा बहुत होता है उसको फ्लाइट जो है उसका ड्रॉप का, हम लोग बोलते हैं ना फ्लाइट में हम उड़े, वैसे ड्रॉप जो है वो भी फ्लाइट में से उड़ के फिर हमारे बेस मेटल पे आएगा ना, तो उस टाइम पे एक ज्यादा जनरेट होता है इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है, उसी की वजह से हम लोग जनरली क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, इंडक्टेंस लगाते हैं। इंडक्टेंस क्या करता है कि हमारा डीप ट्रांसफर में जो कांड हुआ, हमारा गोबुलर ट्रांसफर में कांड हो रहा है, क्या कांड हो रहा है कि करंट सडनली बढ़ता है, फिर स्टार्टिंग ऑफ द वेल्डिंग में आपको ज्यादा करंट का जरूरत पड़ता है, और उस टाइम पे अगर ज्यादा करंट जनरेट हो जाता है शॉर्ट सर्किट की वजह से, हमारा सर्किट क्लोज होता है, सर्किट क्लोज होने की वजह से करंट ज्यादा फ्लो करने लगता है, करंट ज्यादा फ्लो करने लगता है तो ओवर हीट हो जाने का चांस है। तो अभी इंडक्टेंस का काम क्या है, इंडक्टेंस मतलब ऐसा सर्किट, ऐसा वेल्डिंग मशीन के अंदर अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में फिटअप किया गया ऐसा सिस्टम कि वहां एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, वो जैसे ही करंट हम वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे वो उसकी जो बीच का करंट जैसे ही फ्लो करेगा तो एकदम सडन हार्ट अटैक जैसा बेस मेटल को या पेरेंट मेटल को इफेक्ट ना हो, उसी की वजह से ये इंडक्टेंस क्या करेगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक अलग से करंट प्रोड्यूस करेगा। और हमने 300 करंट आना चाहिए था स्टार्टिंग में, लेकिन वो 300 की जगह 300 आता है, लेकिन हमें अभी स्टार्टिंग में हमें 300 नहीं चाहिए, उसी की वजह से इंडक्टेंस क्या करेगा थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा 50 या 100, तो 300 की जगह 100 ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो 300 माइनस 100 तो मतलब कितना हो जाएगा 200, तो वो 2 से 3 सेकंड की ये सब चीज बात है, ठीक है, 2 से 3 सेकंड में ये सब चीज हो जाएगा, तो करंट भी प्रॉपर तरीके से हमारा 200 जो स्टार्टिंग में 200 ही चाहिए, हमको ज्यादा करंट नहीं चाहिए था, तो वो सब चीज मेंटेन कर देगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग मशीन में ये इंडक्टेंस है वैसा काम करता है। ओके, टाइम वर्सेस हमारा करंट का ग्राफ है हमारा, अगर बेस मेटल में विदाउट इंडक्टेंस वाला जो रेड कलर का यहाँ पे लाइन है वो दिखाया है, तो अगर सीधा हम वेल्डिंग मारेंगे तो एकदम करंट एकदम इनिशिएटिव एकदम इन्फिनिटी हो जाता है, एकदम फास्ट करंट बढ़ जाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन अगर इंडक्टेंस डालेंगे तो क्या होगा धीरे 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 करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, ऐसा करके होगा ताकि हमारा बेस मेटल को हार्ट अटैक जैसा महसूस ना हो। इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं, बाद का आगे का टॉपिक लेते हैं। इंडक्टेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है सर? यस सोनू सर, यस सर, हेलो, यस सर, सोनू सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अच्छा अच्छा सर, अगर हमारी वेल्डिंग में कोई स्पैटर ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबुलर ट्रांसफर चल रहा है, अभी डीप ट्रांसफर चल रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना आप, गोबुलर भी चल रहा है, डीप ट्रांसफर भी चल रहा है, डीप ट्रांसफर में भी करंट, देखो करंट पहले तो स्पैटर क्यों आता है, स्पैटर इसके लिए आता है कि आपका स्टार्टिंग ऑफ द पोजीशन में स्पैटर आपका करंट जो है वो बढ़ जाता है, स्टार्टिंग ऑफ पोजीशन में आपका करंट बढ़ जाता है, उसी की वजह से हीट इनपुट बढ़ जाता है, स्टार्टिंग पोजीशन में हीट इनपुट बढ़ने की वजह से आपका जो बेस मेटल का आपका फिलर है, आगे का जो सिस्टम है, फिलर का आगे का जो टपका है, पॉइंट है, वो ज्यादा मेल्ट हो जाएगा, जैसे ही ट्रैवल करेगा हमारा बेस मेटल के गिरने का, और जैसे ही ट्रैवल करेगा तो ऊपर से वो जो आर्गन जो सॉरी ऊपर से CO2 इसमें यूज करते हैं ज्यादातर, तो CO2 भी ऊपर से जाएगा तो और हॉट करेगा उसको, तो फिर वो CO2 उसको टकराएगा, वो रनिंग कंडीशन में ही उसके 2-3 पार्ट कर देंगे, तो वो 2-3 पार्ट जो है वो स्पैटर में जनरेट हो जाएंगे। तो अभी हम ऐसा क्या करें कि स्पैटर हमारा कम आ जाए, तो इसके लिए इंडक्टेंस फिट किया जाता है कि स्टार्टिंग में करंट ज्यादा ना हो जाए, स्टार्टिंग में करंट अगर ज्यादा हो जाएगा तो स्पैटर आने का चांस ज्यादा है, तो हम लोग गोबुलर ट्रांसफर में भी ये कांड हो सकता है, डीप ट्रांसफर में भी ये कांड हो सकता है, उसी की वजह से इंडक्टेंस अगर फिट कर देते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ द पोजीशन में करंट कम प्रोड्यूस होगा, भले ही करंट तो मशीन तो 300 ही देगा लेकिन इंडक्टेंस उसकी ऑपोजिट साइड डायरेक्शन में थोड़ा बहुत जनरेट करके फेंकेगा, तब क्या होगा करंट का थोड़ा डिप जो कम हो जाएगा आने का, और उसी की वजह से स्टार्टिंग में हमको स्पैटर कम मिलेगा। यस सर, ओके, अभी स्पैटर ज्यादा है तो आप वैसा भी समझ सकते हैं, मैं आपको एक फंडा नया बोलता हूं यहां पे ग्राफ के साथ, आपका स्पैटर ज्यादा है इसका मतलब आपका डीप ट्रांसफर जो है उसमें भी वोल्टेज ज्यादा है, तब भी हीट इनपुट तो आपका तभी भी बढ़ेगा ना, करंट बढ़ेगा, करंट अगर प्रे ट्रांसफर में हम थोड़ा बहुत कवर करते हैं लेकिन फिर भी उतना भी उसमें भी स्पैटर तो उसमें भी आता है। देखो
GMAW ऐसा प्रोसेस है इसमें सबसे ज्यादा कोई भी ट्रांसफर आप यूज करो स्पेटर तो आएगा ही, लेकिन स्पेटर का भी आप अगर डिवाइडेशन कर दो तो डीप ट्रांसफर में थोड़ा और ज्यादा आएगा, गोबिलर ट्रांसफर में थोड़ा और ज्यादा आएगा, स्प्रे ट्रांसफर में थोड़ा और ज्यादा आएगा, ऐसा करके मतलब थोड़ा थोड़ा कम 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 ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है सर। यस सर। सोनू सर। ये सर ज्यादा स्पैटर भी एक वेल्डिंग डिफेक्ट होगा ना, क्योंकि वो भी यस मैं आपको एकदम सिंपल बोलता हूँ कि आपका एग्जाम आप दे रहे उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, कितना स्पैटर है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। आप प्रैक्टिकल पाइप का है या प्लेट का है, जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे उस टाइम पे आपको लिखना पड़ेगा कि कितना स्पैटर है आपका। मैं थोड़ा आपको एक्सेप्टेंस शीट दिखा देता हूँ, माइक्रो का एक्सेप्टेंस शीट, ठीक है, माइक्रो पाइपिंग प्लेट का एक्सेप्टेंस शीट में इसमें क्लियर बात है ये सब चीजें हैं कि आपका कितना स्पैटर है। 10 स्पैटर है तो फिर आपको आंसर 10 देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल आप एग्जाम दे रहे हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग पाइप में पहले भी आई थिंक चैप्टर नंबर 2 में ये सब चीज करवाया था, सॉरी चैप्टर नंबर 3 में, कि कितना स्पैटर आपको कैलकुलेट करना चाहिए, कितना कौन सा क्या क्या डिफेक्ट है हमारा। देखो एक्सेस वेल्ड मेटल वो भी डिफेक्ट है, स्लेग एंड सिलिका इंक्लूजन वो भी डिफेक्ट है, अंडरकट डिफेक्ट है, पोरोसिटी एंड गैस कैविटी डिफेक्ट है हमारा, डिफेक्ट है लेक ऑफ फ्यूजन डिफेक्ट है, आर्क टैग डिफेक्ट है। आर्क टैग तो किसी में भी परमिटेड नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आर्क टैग जो प्लेट है, देखो ये प्लेट एंड पाइप का क्राइटेरिया, ठीक है, आर्क टैग देखिए उसमें एक ही आर्क टैग, ओनली वन आर्क टैग परमिटेड, बाकी मैक्रो में पे परमिटेड ही नहीं है, कुछ भी नहीं, थोड़ा भी आर्क टैग नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, मैकेनिकल डैमेज, मिसेलेनियस पेनेट्रेशन एंड स्पैटर भी आई थिंक होगा, ठीक है, ये शीट में नहीं है, वो ओल्ड शीट है, लेकिन अगर नया शीट है तो उसमें स्पैटर ऐड कर दिया गया है, तो स्पैटर भी वन ऑफ द डिसकंटिन्यूटी है। ओके, अनरेगुलर डिस्टोर्शन वो भी एक है, बन थ्रू है, लेक ऑफ रूट फ्यूजन है, लेक ऑफ पेनेट्रेशन है, मिस अलाइनमेंट है, और आपका रूट श्रिंकेज एंड रूट केविटी करके है वो भी आपका डिफेक्ट है। संकेत पटेल सर। यस सर। मैक्रो ये जो लास्ट जो कॉलम है वो मैक्रो का एक्सेप्टेंस है, ये जो पहला वाला कॉलम है वो पाइप एंड प्लेट का एक्सेप्टेंस है। मैं मैक्रो का ऑलरेडी मैं एक बार एग्जाम करने के टाइम पे मैंने चैप्टर नंबर 3 समझाया, उस टाइम पे मैं समझाया था कि मैक्रो का पेपर आपको कैसा आएगा। जब आप पेपर देने बैठते हैं तो उसमें से 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 15 में आज तक रिकॉर्ड हुआ है कि मैक्रो में कोई भी फेल नहीं हुआ है। हाँ, एक फेल होता है, वो कैसा होता है, साला आंसर को डी कैलकुलेट करना, डी को राउंड मारना था, ब्लैक करना था, लेकिन वो नीचे वाले डी को ब्लैक कर देगा, ऐसा में भी नाम में गलती हो सकता है या फिर टिक मार्क करने में गलती, लेकिन मैक्रो मतलब ऐसा पेपर आपको एक ऐसा पेज दे दिया जाएगा और ये एक जो पेज है उसमें ये सब चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 15 ऐसा करके 15 लाइन ड्रॉ कर दिया जाएगा। उसमें आपको पूछा जाएगा कि एक नंबर क्या है, दो नंबर क्या है, तीन नंबर क्या है, चार नंबर क्या है, पांच नंबर क्या है, छह नंबर, ऐसा करके नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहां पे ये चार नंबर दिखाया है, ठीक है, चार नंबर आपको टोटल फ्यूजन नहीं हुआ तो लेक ऑफ फ्यूजन है, ठीक है, लेक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन ऐसा दिख रहा है चार नंबर में, तो अगर चार नंबर का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ पोजीशन फॉर, विल यू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, तो आपको यहाँ पे क्या कितना ऑप्शन दिया है, लेक ऑफ इंटर रन फ्यूजन नहीं है क्योंकि इंटर रन में नहीं हुआ है, ठीक है, फ्यूजन बाउंड्री भी नहीं है क्योंकि वो साइड वॉल फ्यूजन है, ठीक है, लेक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन, तो आपका आंसर सी हो गया, लीनियर क्रैक भी नहीं है। फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, वो इसके लिए आपको ये शीट आपको साथ में ही दे दिया जाएगा, लीनियर सॉरी वो आपने क्या किया बोला कि लेक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन, तो लेक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन जो है लेक ऑफ रूट फ्यूजन भी नहीं है, लेक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन आएगा, रूट फ्यूजन में आई थिंक आएगा, लेक ऑफ फ्यूजन आएगा, ठीक है, ये छह नंबर का है, उसमें आपको मैक्रो क्या लिखा है, नॉट परमिटेड, तो नॉट एक्सेप्ट, तो आपको यहाँ पे दो आंसर बन जाता है, आंसर इज सी एंड आंसर इज एफ, तो आपको सी के अंदर घुटना है और एफ के अंदर ब्लैक पेन से घुटना है, मतलब ये आपको जो पेन दिया जाएगा वही पेन देंगे, वही पेपर देंगे और उसी से आपको घुट देना है पूरा, तो आपका सी और एफ आंसर हो गया। तो ऐसा करके मैक्रो का एग्जाम आता है और मैक्रो में आपको जस्ट सिंपली कोई भी आज तक फेल नहीं हुआ, आप टेंशन मत लीजिए, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं फेल हो जाएगा, कोई भी आज तक फेल नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसा एकदम सिंपल रहेगा क्वेश्चन पेपर। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, ऑलरेडी मैं ऑलरेडी ये सब चीज समझाया है, इसके लिए इसमें ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ। यस सर, और किसी को कोई क्वेश्चन है सर?
आर्क स्ट्राइक इज द नॉट एक्सेप्टेबल, ऑलरेडी मैं चैप्टर नंबर 3 में समझाया है आपको, अगर चैप्टर नंबर 3 चाहिए तो मैं ऐसा है तो टाइप्स ऑफ क्रैक नहीं उसमें नहीं समझाया, ठीक है मैं आपको वीडियो सेंड करेगा। आर्क स्ट्राइक जनरली क्या होता है कि आर्क स्ट्राइक थोड़ा भी एक्सेप्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि आर्क स्ट्राइक एक हार्ड स्पॉट जनरेट करता है, जहां पे आर्क स्ट्राइक होता है उसका अगल बगल का एरिया को हार्ड बना देता है। एक आप मैं आपको एक सिंपल बोलूं, आपको कभी बिच्छू या फिर सांप जो है वो अगर कोई फ्रेंड को या फिर कोई रिलेटिव को काटा होगा तो क्या होगा, वो सड़ जाता है, ठीक है, फिर वो अगर उसका प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सडन स्टार्ट होता है हमारे बॉडी में, जहां पे वो टच किया है वहां पे, वहां से धीरे धीरे सडन स्टार्ट होगा, तो वन ऑफ द आर्क है वो, आर्क स्ट्राइक वैसा ही होता है। आर्क स्ट्राइक भी बेस मेटल में जहां पे गिरा फिर वहां पे हार्ड स्पॉट जनरेट करेगा, मे बी वहां से मटेरियल क्रैक भी हो सकता है, वहां से मटेरियल ब्लास्ट भी हो सकता है, वहां से मटेरियल सडन भी बैठ सकता है। सडन मतलब धीरे धीरे वहां पे क्रैक अगल बगल में स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो सड़ने लगेगा मटेरियल, फिर वहां से रस्ट होके उसका पूरा थिकनेस वहां पे खत्म कर देगा। उसी की वजह से आर्क स्ट्राइक तो थोड़ा भी एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन आजकल हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कपड़ा लेते हैं और टीपीआई आने का टाइम रहता है उस टाइम पे ग्राइंडिंग मारना रहता है आर्क स्ट्राइक को, लेकिन जनरली वो कपड़े से पोच देते हैं, ब्लैक ब्लैक निकाल देते हैं और बोलते हैं कुछ नया कुछ होगा या डैमेज होगा ऐसा बोल के जले जाते हैं। लेकिन आर्क स्ट्राइक के ऊपर मैंने बहुत सारे एनसी दिया है बहुत सारे लोगों को, ठीक है, ओके। आर्क स्ट्राइक ऑलरेडी मैं चैप्टर नंबर 3 में समझाया सर, इसके लिए मुझे ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है क्योंकि मुझे इन लोगों का वो क्लोज करना है अपना क्या बोलते हैं सिलेबस, उसी की वजह से, वरना फिर भी आपको आर्क स्ट्राइक समझना है तो मैं थोड़ा बहुत निकाल देता हूँ। चलो अभी निकालता हूँ, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा वो कर देता हूँ सेटिस्फाई। वेल्डिंग इन परफेक्शन, ठीक है, इसमें हमारा आर्क स्ट्राइक क्या हुआ सर? सर वो तो समझ में आया सर, लेकिन आर्क भी समझ रहा सर, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं ना, वो आर्क स्ट्राइक तो मुझे समझ में आ गया लेकिन आर्क भी सर आपकी आवाज कट रही है सर। ओके मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बोल देता हूँ आर्क स्ट्राइक के बारे में। होता है बिच्छू काटा है ना वैसा, एकदम सिंपल बिच्छू तो नहीं काटा है तो एग्जांपल देने के लिए बोलने ऐसा है, जस्ट फनी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आर्क स्ट्राइक ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है आर्क स्ट्राइक कॉमन, द आर्क स्ट्राइक कैन प्रोड्यूस द हार्ड हीट अफेक्टेड जोन, हार्ड हीट अफेक्टेड जोन जनरेट करता है, विच में कंटेन द क्रैक, क्रैक भी आने का चांस है वहां से, दिस कैन लीड द सीरियस क्रैकिंग इन सर्विसेस, इन सर्विस के अंदर क्रैक भी आने का चांस है, इट्स बेटर टू रिमूव द आर्क स्ट्राइक बाय द ग्राइंडिंग देन वेल्ड रिपेयर, अदरवाइज आप ग्राइंडिंग से रिमूव करिए या वेल्ड रिपेयर से रिमूव करिए तो उसको आपको रिमूव करना है। उसी की वजह से आर्क स्ट्राइक इज थोड़ा भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लोकल डैमेज ऑफ द सर्फेस ऑफ द पैरेंट मेटल एडजेसेंट ऑफ द वेल्ड एंड रिजल्टिंग फ्रॉम द आर्किंग ऑफ द स्ट्राइकिंग इन द आर्क आउटसाइड ऑफ द वेल्ड ग्रूव, तो आउटसाइड ऑफ द वेल्ड ग्रूव से आपने जहां तहां आपका जो कुल्ला टिका देंगे, आपका जो वो जो है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड है जहां तहां ठोक देंगे तो ये कांड होने का चांस है आर्क स्ट्राइक, ठीक है। ओके तो आशा करता हूँ आपको ये सब चीज ट्रांसफर समझ में आया होगा, इंडक्टर को आया होगा। अभी हम मशीन में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो मशीन का थोड़ा बहुत कर लेते हैं, हमारा काम हो हमारा चैप्टर फिनिशिंग की ओर जाए। ओके हमारा जीएमए डब्ल्यूएमए वेल्डिंग मशीन है बहुत टिपिकल है, मिग मैक का जो वेल्डिंग मशीन है उसका अरेंजमेंट बहुत टिपिकल है। यहाँ पे जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सब दिखाया है इतना सारा अरेंजमेंट रहता है, ये 8 नंबर दिखाया है वो स्पूल है, ये जो यहाँ पे 7 नंबर दिखाया है वो आपका इलेक्ट्रोड है, वैसा इलेक्ट्रोड रहता है प्लग रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेलमेट दिखाया है, ये अर्थिंग केबल है, यहाँ पे टॉर्च का टाइप दिखाया है, 6 नंबर जो है वो टॉर्च है और टाइप ऑफ टॉर्च है, कैसा कैसा आपको टॉर्च यूज करना वो है, 2 नंबर है हमारा इंडक्टेंस और ये हमारा मशीन कितना, इतना सारा डेंजरस अरेंजमेंट है, देख रहे हैं आप इतना डेंजरस अरेंजमेंट। इसका मतलब आपको ये भी समझना चाहिए कि ये पोर्टेबल नहीं है, ठीक है, अगर कहाँ भी शॉप में काम करना है तो ठीक है, लेकिन कोई साइट में अगर ऊपर ऊपर चढ़ाना है आपको एलिवेशन में काम करना है तो पॉसिबल नहीं है, इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके नहीं मुझे
समझाना है, यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो एरिया है यहाँ पे रोलर रहता है, वो ड्राइविंग रोलर, उसको दूसरा भी एक नाम है, वो आगे आएगा तो मैं बोलेगा, हाँ उसका नाम है गाइड है, ठीक है, वायर गाइड और आप क्रू बॉटम ड्राइव रोलर। तो ये जो रोलर है जितना ज्यादा है उतना, जितना वो जो रोलर जनरली कॉपर का रहता है, अगर ये रोलर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है तो आपका वेल्डिंग मशीन को फिर रिपेयर करने का जरूरत पड़ता है। ये हैंड से आप दबा सकते हैं, हैंड से आप फिट कर सकते हैं, ऐसा रहता है, ठीक है। और रोलर के ऊपर से ही पूरा सिस्टम जनरेट होता है। अगर रोलर ज्यादा घूमता है तो आपका करंट भी ऑटोमेटिकली वहां पे ऐसा सेटअप होगा कि रोलर ज्यादा घूमेगा तो करंट भी बढ़ेगा, रोलर कम घूमेगा तो कम करंट जनरेट होगा। तो ऐसा सिस्टम होता है, आप करना पड़ेगा। GMAW हमारे लाइफ में जनरली कम यूज होता है, इसके लिए आपको थोड़ा टफ रहेगा। ओके, अभी नोजल का साइज, टिप्स, वो टॉर्च बॉडी, वो सब चीज है, ठीक है। लॉन्चिंग स्विच, स्पॉट वेल्डिंग, स्पेसर, अटैचमेंट, कॉन्टैक्ट टिप्स, गैस डिफ्यूजर, स्पेयर श्रोड्स एंड टॉर्च हेड असेंबली। तो ये सब चीज उसके अलग अलग नाम है। तो वेल्डर कभी कभी आपके पास आता है, आपको बोलता है टॉर्च बॉडी बिगड़ गया, इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि ये वन नंबर जो टॉर्च बॉडी बिगड़ गया, मतलब पूरा बॉडी जो प्लास्टिक का था उसके साथ कांड हो गया, उसको आपको रिपेयर करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। वेल्डर अलग अलग नाम से पुकारते हैं लेकिन टेक्निकल वर्ड उसके टॉर्च बॉडी है, ऑन ऑफ लाइटिंग स्विच है, स्टॉप स्पॉट वेल्डिंग स्पेसर अटैचमेंट है, तीन नंबर है, तीन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है वो स्पेसर है, ठीक है ऐसा। तो ये सब चीज आपको नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, ऐसा जनरली जिस टाइम पे आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको नाम याद रह जाएगा, वो भी क्वेश्चन में कोई पूछा नहीं जाएगा। ओके, वेल्डिंग इक्विपमेंट विजुअली चेक आपको करना चाहिए वेल्डिंग इक्विपमेंट को। अगर वेल्डिंग इक्विपमेंट विजुअली चेक नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कुछ भी कांड हो सकता है तो वेल्डिंग में भी प्रॉब्लम आएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगा, आपको कोई डिफेक्ट आने का चांस है। इलेक्ट्रोड वायर, इलेक्ट्रोड वायर जो है वो प्रॉपर तरीके से फिटअप होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से अगल बगल में घूमना चाहिए। अगर हमारा वेल्डिंग मशीन, ये बोलो ये वेल्डिंग मशीन है ये, ठीक है, ये इसको पूरा तरीके से अरेंजमेंट किया लेकिन वायर ही बाहर नहीं निकल रहा, हम टॉर्च दबाते हैं तो वायर बाहर निकल ही नहीं रहा, तब भी प्रॉब्लम है। तो आपको ये सब चीज देखना चाहिए। ओके, इसके बाद ड्राइविंग रोलर एंड लीनियर, उसके साथ कॉन्टैक्ट टिप्स जो है वो भी उसके साथ कनेक्शन होगा। अगर लीनियर ज़्यादा घूमेगा तो उसके हिसाब से रोलर ज़्यादा घूमेगा तो करंट भी ज़्यादा आएगा, ऐसा। कॉन्टैक्ट टिप्स भी आपको पता है, कनेक्शन भी आपको सबका पता है, गैस फ्लो रेट भी आपको पता है, ज़्यादा है तो क्या होगा, कम हो तो क्या होगा, वो सब चीज़ में बताया है। और अदर वेरिएबल एंड पैरामीटर को भी आपको सेफ्टी के साथ भी देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे टाइप ऑफ वेल्डिंग इनपरफेक्शन क्या क्या आता है ये मैक्रो में आपको पूछा जाएगा। सिलिका इंक्लूजन आप घुसा देंगे, GTAW का क्वेश्चन है, आप सिलिका इंक्लूजन आप GTAW में घुसा देंगे तो नहीं चलेगा। सिलिका इंक्लूजन ऑल टाइम GMAW में ही आता है, ये आपको याद रखना है। ओके, लेक ऑफ साइडवॉल फ्यूजन भी आता है, पोरोसिटी आता है, बन थ्रू आता है, ये सब चीज आता है। FCAW के बारे में मैं कल बात कर लेगा, और समरी यहाँ पे ज्यादा नहीं है, यहाँ पे चैप्टर को हम क्लोज करते हैं। ओके, और किसी को इसमें डाउट है तो बोलिए, तो हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। SAW, आई थिंक SAW है, तो SAW स्टार्ट करेंगे। तो SAW में, और थोड़ा बहुत यहाँ पे FCAW का इतना सारा दिया है, इतना सारा नहीं, ज्यादा नहीं दिया है। FCAW में CO2 यूज होता है, वो भी एक GTAW का एक पार्ट बोला सकता है, लेकिन GTAW और FCAW दोनों अलग है। अगर मैं सेक्शन 9 की बात करूँ तो उसमें GMAW एंड / करके FCAW के एसेंशियल वेरिएबल वो सब चीज दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका दोनों का वेरिएबल जनरली सेम है, इसके लिए यहाँ पे दे दिया है। उसका जनरली 1980 में उसका डेवलप हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता गया और उसके बाद में CO2 उसमें ऐड कर दिया गया, उसमें भी स्पेटर ज्यादा आता है। जो ओवरहेड क्रेन है उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस टाइम पे आपको FCAW मारना चाहिए। हमारा प्रेशर वेसल का इंटरनल है, वहां पे FCAW मारते हैं लोग, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्टिविटी की वजह से। वहां पे अगर GTAW मारने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वहां पे हमारा आर्क वेल्डिंग मारने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसी की वजह से इंटरनल में वेल्डिंग जो मारते हैं प्रेशर वेसल का, इनसाइड में जितना भी वेल्डिंग मारते हैं वो FCAW से मोस्ट ऑफ कवर करते हैं, ठीक है। ओके, अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछिए। यहाँ पे हम सेशन को क्लोज करते हैं, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, और कल से हम SAW स्टार्ट करेंगे और उसके फ्लक्स का टाइप के बारे में बात करेंगे, ग्लोबुलर फ्लक्स, सॉरी एग्लोमरेटेड फ्लक्स एंड फ्यूज्ड फ्लक्स। फ्यूज फ्लक्स कैसे बनता है, एग्लोमरेटेड फ्लक्स कैसे बनता है, उसको स्टोरेज कैसा करना है, वो SAW कैसे काम करता है, वो सब चीज के बारे में एकदम डेप्थ में कल बात करेंगे। ओके, सोनू जॉन सर, सोनू सर
यस सोनू सर, सोनू सर हेलो। यस सर, सर ये वेल्डिंग मशीन की कैलिब्रेशन कब होना चाहिए? यस, BSEN 75 के हिसाब से कैलिब्रेशन 6 मंथ का होना चाहिए। ISO के हिसाब से कभी कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई PO में ऐसा लिखा है तो 6 मंथ करना चाहिए, और कभी कभी 1 ईयर का लिखा है तो 1 ईयर करना चाहिए। लेकिन आपको एज पर कोड कौन सा यूज किया है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर ISO का है तो 1 ईयर का है, अगर आपका BSEN यूरोपियन स्टैंडर्ड है तो 6 मंथ का है, अगर आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड है तो उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड है, या फिर हमारा जो एंड यूजर है वो किसके लिए हम बना के दे रहे हैं मशीन, तो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आरामको की मैं बात करूं तो आरामको में 6 मंथ है, ठीक है। तो सबका अपना अपना कोड के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको फॉलो करना है शेड्यूल क्यू, आपको फॉलो करना है मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशन, सॉरी एंड यूजर का स्पेसिफिकेशन है वो फॉलो करना है। उसमें भी शेड्यूल क्यू जो है उसमें कैलिब्रेशन सब चीज दिया गया रहता है। शेड्यूल क्यू क्या है, जब आप PO बनाते हैं तब सब रिक्वायरमेंट लिखते हैं, वो वन ऑफ द PO ही है लेकिन नॉट अ PO, बट PO का सेम नाम है शेड्यूल क्यू। तो वो शेड्यूल क्यू में आपका ये भी लिखा होगा कि कितने आपके कंपनी में इंस्पेक्टर होने चाहिए, कब आपका वेल्डिंग मशीन कैलिब्रेशन होना चाहिए, आपका कौन सा चीज कब कैलिब्रेशन होना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट कैसे चलाना है। एक लंबा छोड़ा 200 पेज का एक शेड्यूल क्यू आता है, जनरली ये मैं एवरेज बात कर रहा हूँ 200 पेज, ठीक है, कभी ज्यादा भी होता है कभी कम भी होता है, लेकिन शेड्यूल क्यू को आपको फॉलो करना रहता है। अगर कोर का है तो BSEN 75। ओके, और किसी को सर? या भूषण सर, भूषण सर अकेले आप बोलिए सर, भूषण सर। यस सर, मेरा क्वेश्चन है, टेस्ट आज लिखा था मैं, उसमें ट्रेनिंग था नहीं, उसमें एक सब कुछ हमारा स्टैंडर्ड सैंपल होता है वो 5x10x10 का होता है, लेकिन सर सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मैं आप जो बोल रहे हैं सही बात है, लेकिन आपकी आवाज है ना कट कट के आ रही है सर, ऐसा है आपकी आवाज नहीं सर, नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है, आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है। ओके सर, मैं सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं सर, दूसरा कोई क्वेश्चन पूछिए सर प्लीज। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, प्लीज आप म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपका नेटवर्क में भी कंट्रोल नहीं होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब आप फोन करके पूछ लीजिए, डेफिनेटली मैं आपको श्योर आंसर देगा सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर, और कोई? सोनू सर, सोनू सर आप कुछ पूछ रहे थे? सर ये फ्लेक्स कोर आर्क वेल्डिंग है जो सेम एज मिग वेल्डिंग है, उसमें उसमें फ्लक्स भी रहता है, ऊपर ऊपर से गैस भी दे रहा है, उसमें ट्यूब्युलर फ्लक्स रहता है। सर ट्यूब्युलर फ्लक्स मतलब क्या है, हमारा SMAW है, तो SMAW में हम लोग क्या करते हैं, जनरली SMAW में हमारा बाहर फ्लक्स रहता है, ठीक है। SMAW का जो इलेक्ट्रोड है उसके बाहर फ्लक्स रहता है, SAW का इलेक्ट्रोड है और SAW का वेल्डिंग है उसमें जनरली फ्लक्स कहाँ जाता है हमारा, इसमें बाहर की साइड में हम ढालते हैं होपर से। लेकिन FCAW में अलग चीज है, FCAW में क्या होता है, हमारा फ्लक्स जो है वो एकदम अंदर में जाता है, एकदम जो फिलर जो रहता है उसके अंदर में फ्लक्स अंदर बैठा रहता है ट्यूब्युलर फॉर्म में, एकदम छोटा छोटा पार्टिकल के साइज में, उसके ऊपर सॉलिड कवर रहता है। तो जैसे ही वेल्डिंग मारते हैं वो फ्लक्स गर्म होता है और यहाँ से निकलता है फ्लक्स, और ऊपर तो हमारा सॉलिड वायर है। तो आप इतना समझ लीजिए, आप SAW का फ्लक्स कैसा होता है, SAW में एक जो वायर है उसके बाहर में फ्लक्स होता है, लेकिन FCAW में ये जो वायर है उसके अंदर में घुसा हुआ रहता है, एक होलो रहता है, होलो फिलर रहता है उसके अंदर में, ट्यूब्युलर के फॉर्म में अंदर बैठा रहता है। तो ऐसा है, फर्क ज्यादा कुछ नहीं है सर। जैसे कि हम गैस भी दे रहे हैं तो गैस की जो रेशियो है जो नॉर्मल मिग वेल्डिंग में देता है, मैग वेल्डिंग में देता है, उसकी बराबर चाहिए, उससे कम, उससे थोड़ा कम रहता है जनरली, क्योंकि ऑलरेडी फ्लक्स भी है, ऊपर से आपका गैस भी आ रहा है, तो आपको थोड़ा कम रखेंगे तो अच्छा है, अगर ज्यादा रखेंगे तो कांड आपका फ्लक्स आपका स्पेटर का ज्यादा होगा, आपको बहुत सारा स्पेटर को सामना करना पड़ेगा, इसी की वजह से जनरली CO2 को कम रखते हैं। अगर CO2 बंद भी हो जाता है तब भी कांड हो सकता है आपके साथ, पोरोसिटी आने का चांस है, इसके लिए दोनों चाहिए। तो ठीक है, FCAW ऐसा ही काम करता है, अंदर भी फ्लक्स बाहर आर्गन सॉरी CO2 ऐसा। सर समझ में आया कि वापस थोड़ा बहुत समझाऊं मैं उसके डेप्थ में? ये थोड़ा क्या हुआ सर?
थोड़ा और बता दीजिए। ओके, अभी मैं आपको ये बोलूं कि SMAW जो है उसमें हमारा फ्लक्स है वो आउटसाइड में बैठा हुआ है, लेकिन FCAW का फ्लक्स है वो जो वायर है उसके अंदर बैठा रहता है ट्यूब्यूलर फॉर्म में। ट्यूब्यूलर फॉर्म मतलब एक वायर है वो होलो है, उसके बीच में बैठा रहता है। वो क्या काम करेगा, जैसे ही हम वेल्डिंग मारेंगे फ्लक्स जल के उसका डेंसिटी की वजह से वेल्ड मेटल के ऊपर आ जाएगा, लेकिन रनिंग कंडीशन में हमको FCAW का इतना सारा हीट इनपुट नहीं रहता है, इतना सारा प्रोडक्टिविटी भी नहीं है उसका, फिलर का साइज भी छोटा है, उसी की वजह से फिर हमको बाहर से वायर स्पूल जो है, बाहर का वेल्डिंग स्पूल है उसको भी हमको पूरी तरह से कवरिंग करना है, पूरी तरह एटमोस्फेरिक से बचाना, उसकी वजह से हमको CO2 उसके में घुसाना पड़ता है। तो GTAW का जैसा टॉर्च है वैसा ही टॉर्च हमारा टॉर्च में से, जैसे GTAW का टॉर्च है उसमें कैसे आर्गन अंदर से इनर्ट गैस के हिसाब से आता है, वैसे ही यहाँ पे CO2 के हिसाब से अंदर से आता है, वैसा ही FCAW है। लेकिन FCAW में और GTAW में फर्क इतना है, GTAW में टंगस्टन है, यहाँ पे खुद गब्बर वो फिलर है वो भी रोटेट करके ऊपर से आता रहता है। जैसे GMAW में वायर स्पूल है वैसा ही FCAW में स्पूल रहेगा। ठीक है सर। और इसमें पोरोसिटी आने की कम चांस नहीं, है? नहीं, बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है। हाँ, पोरोसिटी FCAW में बहुत ज्यादा चांस है, स्पैटर आने का बहुत ज्यादा चांस है। आपका थोड़ा भी मिस्टेक हो गया, आपने स्पूल को प्रॉपर तरीके से स्टोरेज नहीं रखा था और आपने बराबर काम नहीं किया, वो रस्टिंग हो गया या बाहर का हाइड्रोजन है वो ट्यूब्यूलर फॉर्म के अंदर वो क्रैक हो गया। जनरली क्या होता है, वो ट्यूब्यूलर फॉर्म जो है वो फिलर का है, वो फिलर के बाहर बाहर में सॉलिड रहेगा लेकिन अंदर में तो पोला रहेगा, अंदर में तो गैप रहेगा, उसके बीच में फ्लक्स बैठा है। अगर वायर थोड़ा भी क्रैक हो गया तो वहां पे गैप जनरेट होगा, वहां से बाहर का एयर जो है वो अंदर घुसेगा और अंदर तो फ्लक्स बैठा है तो वो तो एयर ले लेगा और एयर लेके फिर उसमें हाइड्रोजन बैठ जाएगा, हाइड्रोजन बैठ जाएगा तो हाइड्रोजन पोरोसिटी, हाइड्रोजन क्रैक, वो सब चीज आने का चांस FCAW में ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जो लोग FCAW मारते हैं उसमें सबसे ज्यादा पोरोसिटी आता है, बहुत पोरोसिटी आता है। साला मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं विजुअल किया जब मैं अनुपम MHI में था, उस टाइम पे तो मुझे तो ऐसा लगा FCAW से तो अच्छा आर्क वेल्डिंग है, साला आर्क वेल्डिंग लगाओ कुछ मगजमारी, जहां दहा साला एक एक मीटर या पांच पांच एक एक फीट में साला पोरोसिटी पोरोसिटी दिखेगा नहीं, एकदम स्मॉल रहेगा, आपका DP क्लियर होने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इतना पोरोसिटी आएगा आपको। FCAW बहुत डेंजरस है, उसको जनरली अवॉइड करते हैं हम लोग। सर इसमें एडवांटेज क्या है फिर CO2 वेल्डिंग के? CO2 वेल्डिंग का एडवांटेज ये है, आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगा, आपको वेल्डिंग अच्छे से फास्ट जाएगा, स्मूथ वेल्डिंग जाएगा, आपका कोई ज्यादा क्लीनिंग एक्शन नहीं रहेगा, थोड़ा स्पेटर को कंट्रोल करते हैं अगर आप तो बराबर वेल्डिंग जाएगा, आपका हीट इनपुट इसमें ज्यादा नहीं है, इसी की वजह से आपका जहां पे लो थिकनेस है वहां पे भी FCAW लगा सकते हैं, ज्यादा थिकनेस है वहां पे अगर स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी वहां पे हम FCAW लगा सकते हैं। FCAW का वेल्डिंग अच्छा आएगा, एकदम स्मूथ आएगा, फिनिश आएगा, GTAW जैसा आएगा, लेकिन पोरोसिटी और स्पैटर का थोड़ा बहुत कांड है, उसका स्ट्रेंथ भी कम है। आर्क वेल्डिंग का 1 इंच का वेल्डिंग मारो, FCAW का 1 इंच का वेल्डिंग मारो, GTAW का 1 इंच का वेल्डिंग मारो, SAW का 1 इंच का वेल्डिंग मारो, सबको साथ में मिलाओ तो सबसे शानदार तरीका वेल्डिंग अच्छा आएगा। स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो SAW, अगर वेल्डिंग का प्रोडक्टिविटी विथ स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो SMAW, अगर क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो GTAW, अगर हमारा प्रोडक्टिविटी के देखा जाए तो हमारा FCAW। तो ये सब चीज अपना अपना सब का अपना अपना काम है सर। थैंक यू सर। ओके वेलकम सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है सर? हेलो। यस सर। हसमुख सर। यस हसमुख सर। सर ये मेटल कोर वायर मींस क्या, कौन सा वायर है? मेटल कोर आर्क वायर, मतलब ये FCAW में ही ऐसा ही वायर आता है ट्यूबुलर फॉर्म में, मेटल कोर वायर। इस मेटल कोर वायर में से FCAW का वायर ये? हाँ ऐसा ही समझ लो आप, ऐसा ही है। मैं आपको सेक्शन 2C थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ अगर निकलता है तो, उसमें भी यही सब चीज लिखा है। नहीं, कुछ कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन देता है ना रिलायंस का स्पेसिफिकेशन, तो उसमें मेटल कोर वायर इज नॉट अलाउड ऐसा करके लिखा रहता है। हाँ ऐसा हो सकता है सर, मैंने जब ये सब चीज करवाया FCAW का तो मैं नहीं लिया है क्लास सेक्शन 2C का,
लेकिन ऐसा जरूरत है तो मैं FCAW का फिलर भी पूरा डेप्थ में समझाएगा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसमें कैसे फिट किया जाता है, और उसमें अंदर से जो ट्यूबुलर फॉर्म में जो हमारा छोटा छोटा राउंड गोली जैसा रहता है वो गोली कैसे बनाया जाता है, फिर उसमें अंदर फिटअप कैसे किया जाता है, ऑटोमेटिकली ये सब सिस्टम कैसे जनरेट होता है, और हमारा प्लग जो उसमें बनता है वो कैसे बनता है, वो मैं कोड के हिसाब से सेक्शन 2 के हिसाब से ऐसा है तो अलग से सेशन लेगा सर। ओ मेटल कोड मीन्स फ्लक्स का वायर ही है ना, फ्लक्स वायर ही है ना। सर उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसके लिए मैं सर कोई कमेंट नहीं देना चाहता हूँ सर, लेकिन आप डेफिनेटली, मैं उसके ऊपर एक लेक्चर करेगा, मैं पूरा एक बार समझ के प्रैक्टिकल देख के, फिर मैं एक एक दो कंपनी का विजिट करेगा जहाँ पे काम हो रहा है वैसा मेटल कोर वायर में, फिर वो वहाँ पे मैं जाके देखेगा, प्रैक्टिकल देखेगा, उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन करेगा, वो इंस्पेक्शन एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे लोगों को समझाएगा सर। यस सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है सर? हेलो यस सर, ये सिलिका इंक्लूजन जो है क्या ये जिसमें आ रहा था डिप में आ रहा या फिर स्पेटम स्प्रे में आ रहा, किसमें आता है सर? सिलिका इंक्लूजन मतलब एकदम स्लैग जैसा, स्लैग कैसा आता है? स्लेग हमारा जब आर्क वेल्डिंग मारते हैं तो हमारा कैसे स्लेग आता है, वैसे ही सिलिका इंक्लूजन है। सिलिका इंक्लूजन आने का चांस इसके लिए है क्योंकि इसमें सिलिका ऐड किया जाता है हमारा फ्लक्स में अंदर, ठीक है? तो सिलिका इंक्लूजन जो है वो जनरली ज्यादातर आता है, आपका जो ये मैं प्रोसेस बोल रहा हूँ ना माइक्रो का एग्जामिनेशन है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में, एक मिनट में थोड़ा निकलता हूँ, आपको GTAW दिया है और आप वहां पे टंगस्टन इंक्लूजन मार देंगे तो नहीं चलेगा, आपको उस टाइम पे सिलिका इंक्लूजन लिखना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन भी किधर भी होगा सिलिका इंक्लूजन, ऐसा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सब लोग क्यों फेल होते हैं, मोस्ट ऑफ लोग पूरा ये मैं ये सब बोल रहा हूँ, आज तक कोई फेल नहीं हुआ है, लेकिन जो भी फेल होते हैं अगर इनकेस फेल हुए तो क्यों होते हैं? अगर वहां पे GTAW दिखाया है तो आप सिलिका इंक्लूजन क्यों मारेंगे? तब तो आपको टंगस्टन इंक्लूजन मारना चाहिए। SMAW दिखाया है तो आपको स्लेग इंक्लूजन मारना चाहिए। GMAW दिखाया है तो आपको सिलिका इंक्लूजन मारना चाहिए। तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है? सिलिका इंक्लूजन ऑन फेरेटिक स्टील ओनली, ठीक है? फेरेटिक स्टील में आता कोज बाय पुअर इंटर रन क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तब सिलिका इंक्लूजन आता है, कॉपर इंक्लूजन का आता है। कॉपर इंक्लूजन क्यों आता है? क्योंकि कॉपर इंक्लूजन इसके लिए आता है, आपका जो फिलर है उसके ऊपर हम कॉपर का थोड़ा लेयर चढ़ाते हैं ताकि रस्ट ना हो जाए, लेकिन अगर ज्यादा कॉपर चढ़ा दिया तब भी आपका कॉपर इंक्लूजन आने का चांस है। और सेम वैसे ही सिलिका इंक्लूजन का काम क्या है, पहले तो मैं ये बोल देता हूं, सिलिका का काम यह है मेटल को ठंडा करना, मेटल को टेम्परेचर लोअर लाना, क्योंकि आपका 6000 या 5000 टेम्परेचर चला जाएगा ऊपर तो मेटल ठंडा लाने के लिए भी कुछ इम्प्यूरिटी हमको डालना पड़ेगा ना, उसके ऊपर कुछ ऐसा चीज डालना चाहिए कि मेटल का टेम्परेचर वो लो लेके आए, अगर वैसा नहीं होता तो एटमोस्फेरिक में ऐसा ही छोड़ देते तो फिर धीरे धीरे